तो आज मेरे साथ में प्रणव है, और मैं पहले आपको बता दूं कि मैं प्रणव को बहुत टाइम से जानता हूं। अब शायद कुछ साल हो गए हैं, शायद 3-4 साल हो गए होंगे हाँ इतने जैसे मैं प्रणव को जानता हूं। और जितना मैं प्रणव को जानता हूं, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। प्रणव जो है बेसिकली एक राइटर है, पोइट है, ये लिखता है। एंड अगर मैं आपको अपने पर्सनल उससे बताऊं तो आई पर्सनली फील कि मुझे इसकी जो राइटिंग है वो काफ़ी फ्रेश लगती है, और बहुत अच्छी मुझे इसकी लिखाई लगती है, बहुत अच्छा लिखता है ये। और मैं खुद भी लिखता हूँ, तो मेरा एक अपना एक पर्सनल कनेक्शन इसके साथ में ऐसा है कि मैं ये जो भी लिखता है मैं उसको सुनता हूँ, और काफ़ी टाइम से मैं सुनता आ रहा हूँ और काफ़ी टाइम से पढ़ता आ रहा हूँ उसकी पोइट्रीज को। तो आज प्रणव के साथ में बेसिकली हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि प्रणव ने कब लिखना स्टार्ट किया, क्यों लिखना स्टार्ट किया, और सारी चीज़ों के बारे में आज प्रणव से हम बात करेंगे। तो भाई प्रणव, सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में तो पब्लिक को एक बार बता दे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच विपिन, पर ये जितनी भी तारीफ़ें करी हैं सब झूठी तारीफ़ें करी हैं। मैं कुछ खास नहीं लिखता, बस थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ, और मेरे से ज़्यादा अच्छा ये लिख लेता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बेटर लिखता हूँ या मैं इतना बड़ा हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, बस 3-4 शब्दों से खेल लेते हैं हम। तो बेसिकली मैं जो हूँ, बस लिखने का एक इमेजिनेशन वर्ल्ड है जो भी एक राइटर के अंदर होती है, तो बस उसको ही आगे ले जाने की सोचता हूँ, या कुछ ना कुछ लिखने, जैसे नज्म हो गया, पोइट्री, बस थोड़ा बहुत ही लिखते रहते हैं, बस इससे ही काम चलता रहता है अपना। नहीं बढ़िया है, मतलब मैं तो काफ़ी टाइम से तेरे को देख रहा हूँ, और तेरी भी अपनी एक पर्सनल जर्नी रही है जैसे कि मेरी जर्नी रही है। तो मतलब कब स्टार्ट किया था, क्यों स्टार्ट किया था, सबसे पहला क्वेश्चन तो देख, हर किसी किसी भी आर्टिस्ट के साथ में बात करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि कोई किसी भी चीज़ को स्टार्ट क्यों करता है। तो तू बता बता पब्लिक को। एक्चुअली मैं ऐसे ही लिखता था, कॉपी के पीछे ही लिखते हैं सारे के सारे। मैंने भी वहीं से स्टार्ट किया था। तो एक बार मैं कॉलेज में था, तो मेरी मैडम मैडम को दिखाया अपनी, मैडम ने देख लिया बाई चांस कि तू क्या लिख रहा है। तो उन्होंने मेरे लिखा हुआ है, उन्हें अच्छा लगा, तो उन्होंने 3-4 दिन मुझे देखा लिखते हुए कि मैं क्या लिखता हूँ वगैरह लिखता हूँ। तो उन्होंने मुझे मोटिवेट करा कि अगर तू राइटिंग की फील्ड में कुछ करेगा आगे जाके, तो इट विल बी अ रियली गुड ऑनर फॉर हर, कि मैं, मतलब उनको एक गुरु दक्षिणा टाइप का उन्होंने मेरे से ऐसा कहा था। नाम तो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता अभी, क्योंकि अभी मैंने कुछ करा नहीं है बेफालतू, तो मैं नाम डिस्क्लोज कर दूं। तो उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट करा था कि कहा था कि तू लिख तू लिख, तू अच्छा लिखता है, और एज एन इंडियन फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली में ये सारी चीज़ें अलाउड ही नहीं होती, क्योंकि उनमें तो बस एक ये होता है। हाँ, ये सारी बातों पे भी हम आएंगे वैसे, ये तो मतलब मेन टॉपिक है बात करने का। तो मतलब ये कौन सी क्लास की बात है, स्कूल की बात है, कॉलेज की बात है, कब की? मैंने सबसे पहले लिखा था 4th क्लास में, मैंने एक शेर लिखा था और उसे मैंने अपनी कोट की जेब में रखा। याद है अभी भी? हो अभी भी याद है? सुना सुना। नहीं, वो याद लिखा हुआ याद नहीं है, वो इंसिडेंट याद है मुझे कि मैंने कोट की जेब में रखा था और घर की सफाई हो रही थी, तो मेरे पापा ने वो देखा, तो उन्होंने मेरे से सीधा ये कहा कि ये चीज़ें नहीं लिखते, ये बहुत गंदी चीज़ें होती हैं। हाँ और मैं उस 4 साल, वो 4थी क्लास के बच्चे में, उस समय कितना दिमाग होता है, उन्होंने, जो माँ बाप ने कह दिया अच्छा गंदी चीज़ें होती हैं, तो लिखना छोड़ दिया कि अच्छा भाई गंदी चीज़ें आज किसे नहीं लिखेंगे। हाँ। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और बस उसके बाद मैंने कॉलेज में लिखा था, जो मैडम ने पढ़ा उसके बाद ये चीज़ें चालू हुई। अच्छा, तो कॉलेज से मतलब बेसिकली स्टार्ट हुआ था? हाँ, कॉलेज के फाइनल ईयर में था मैं। हाँ। तो मैंने एक लिखा, फिर कॉलेज खत्म हुआ। हाँ। तो उसके बाद एक बार मैं वॉशरूम में था। अच्छा। मैं हल्का हो रहा था अच्छा, तो वहां मुझे आइडिया आया था, कुछ लिखा मैंने, और वहां मुझे आइडिया आया कि मुझे द रिपब्लिकन सिनेमा बनाना है। हाँ। कुछ नया, कुछ हटके, कुछ नाम में, वहां से मुझे ये सब आइडिया आया था कि हाँ कुछ करना है, कुछ करना पहले है। पहले तो मैं मतलब सबको बता देता हूँ, रिपब्लिकन सिनेमा के नाम से इंस्टाग्राम पे आपको एक पेज मिलेगा, फेसबुक पे है क्या? सब हर जगह, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, यूट्यूब पे चैनल भी है। तो रिपब्लिकन सिनेमा जो है इसने स्टार्ट किया था, कितना टाइम हो गया उसे स्टार्ट किए हुए? ये शायद मैंने 2017-18 में किया था, अभी बेसिकली शायद उसमें 10,000 से ज्यादा फॉलोअर्स है। हाँ, 10,000। तो बेसिकली एक कम्युनिटी है, राइटर्स की कम्युनिटी है, आई गेस, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो। काफी सारे राइटर्स थे उसमें, राइटर्स की कम्युनिटी है, बहुत सारे राइटर्स अपनी लिखी हुई चीजों को, पोइट्रीज को और अपनी राइटिंग्स को शेयर करते हैं। ऑफकोर्स इसके हैशटैग से, हैशटैग द रिपब्लिकन सिनेमा, और 2017 से इसने बनाया हुआ है, और काफ़ी अच्छी ग्रोथ है उसमें, बहुत सारे, जैसा मैंने बोला, 10,000 से ज़्यादा उसमें जो है ऑडियंस अभी तक हो गई है आराम से। तो बढ़िया चल रहा है, मतलब जितना मैं देखता हूँ, जितना मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरी भी अपनी ये कम्युनिटी है, तो काफ़ी टाइम लगता है यार तुझे, मतलब अपने एक्सपीरियंस अब हो गई
कि बहुत मेहनत लगती है इन सब चीज़ों में और बहुत टाइम देना पड़ता है। हाँ, कुछ भी चीज़ को अगर तो स्टार्ट करेगा अपने आप तो ऑब्वियसली इसमें बहुत मेहनत जाती है। हाँ, बेसिकली तुम्हारा एक थॉट प्रोसेस होता है, तुम एक छोटे से आइडिए हैं, एक छोटी सी चीज़ से चालू करते हो और तुम्हारे पीछे एक जीरो फॉलोअर्स होते हैं कि तुम्हारे कोई नहीं जानता, कोई सपोर्ट भी नहीं करता, कोई जानता नहीं है। अब तुझे उस एक आइडिए को लेकर आगे चलना है। तो मेरा क्या था, जब कॉलेज का लास्ट ईयर था तो कोई कैट की तैयारी कर रहा है, हाँ बिल्कुल, कोई लॉ की तैयारी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी का बिजनेस है, सबके पास में सब कुछ ना कुछ था, करियर पाथ चुन लिया होगा सबने, तो सबका कुछ ना कुछ था। और मैं ऐसे ही घूम रहा था, मुझे नहीं पता क्या करना था। मैंने कहा यार क्या होगा, मुझे तो कुछ करना नहीं, मुझे तो MBA मुझे इसलिए नहीं करनी थी, मेरे भाई को, मेरे भाई ने कर रखी है, CA लोग कहते थे इतनी टफ है, ये है, तो बेचे कुछ दो तीन ऑप्शन हो जाते हैं। और एंड का मतलब कभी ट्राई भी नहीं किया वो सब, क्या क्या नहीं कभी ट्राई भी नहीं करा मैंने। तो एक दिन मैंने अपने टीचर से कंसल्ट करा, मैंने कहा मैम ये सब तो ऐसे ऐसे हैं तो क्या किया जाए। मैंने कहा तू करना क्या चाहता है, मैंने कहा मैं तो कुछ नहीं करना चाहता, पता ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, कुछ करना क्या है क्या है, हमें पता ही नहीं था कि इतने साल में सोचते भी हैं लोग, थर्ड ईयर में आके इतना प्रेशर होता है कि सोचो 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 सोचो, पर हम नहीं सोच पा रहे थे, मैं नहीं सोच पा रहा था, मैं बेफिक्री में जी रहा था बस। तो मैंने कहा मैम पता नहीं क्या करना है, कह रही अपने आप को टाइम दें तो देखते हैं फिर क्या होता है। फिर टाइम दिया, फिर मैंने कॉलेज ग्रेजुएशन के बाद ड्रॉप किया पूरा साल। फिर अचानक से मुझे आया कि हाँ मेरे माइंड में एक इमेजिनेशन की चीज़ें हैं, मैं ये अच्छी कर सकता हूँ। तो मैंने कहा कि अब इसके साथ ही गो थ्रू करते हैं। तो वहाँ से मुझे लगा कि हाँ मुझे एक राइटर बनना है, जस्ट बिकॉज कि मेरी इमेजिनेशन अच्छी है, मैं सोच अच्छा सकता हूँ, अच्छे से पाता है, इमेजिन कर, अंत से अनंत तक सोचना है। इमेजिनेशन हर किसी में नहीं हो पाती, सही बात है, एक आर्टिस्ट में भी नहीं हो, मतलब आर्टिस्ट भी होते हैं अलग अलग फील्ड के, कंटेंट क्रिएटर आजकल हमारे चल रहे हैं इंस्टाग्राम पे, तो हम वो वाले नहीं है कि हम कपड़े बदल के अपनी क्रिएटिविटी लगाएं। नहीं, बेसिकली मैं भी ये मानता हूँ कि यार देख, दे आर नॉट अ आर्टिस्ट। नॉलेज की अगर बात की जाए ना तो नॉलेज लिमिटेड हो सकती है, इमेजिनेशन की कोई लिमिट नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात की, अंत से अनंत तक है, आप सोच सकते हो। और अगर राइटर्स के साथ में, अगर मेरे को करेक्ट करे, अगर मैं गलत बोल, राइटर के साथ में सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आप इमेजिन कर सकते हो ना, विजुअली किसी चीज को अपने दिमाग में देख सकते हो, आप प्रॉपर उसका एक स्ट्रक्चर बना करके कुछ लिख सकते हो उसके बारे में, आप कुछ भी लिख सकते हो, चाहे आपके एक्सपीरियंस में हो या ना हो वो चीज, बट आप सोच सकते हो। आपके पास एक नॉवल है, आप नॉवल को पढ़ते हो, तो आप नॉवल को कनेक्ट कैसे करते हो, क्योंकि वो चीजें आपके दिमाग में चलती है, आप किसी की चीजें पकड़ते हो। मैंने सबसे पहले ये नॉवल पढ़ी थी रविंद्र सिंह की, I too have a love story. तो जब मैंने वो पढ़ी ना, मैंने इतना अच्छा इमेजिन कर लिया उसे, तो मैं उसको ना फिगर नहीं कर पाया कि इमेजिनरी है या उसके साथ रियल हुआ है। जब मैंने उसकी सेकंड नॉवल पढ़ी ना, उसी का सेकंड पार्ट पढ़ा, तो मुझे लगा कि हाँ ये इमेजिनेशन है। बस वही एक राइटर की पहचान है कि इमेजिनेशन को रियल लाइफ से कैसे कनेक्ट कर देता है, कि फिक्शनल रियलिज्म वो लगने लग जाए कि ये रियलिटी, फिक्शन ही रियलिटी बन जाए, फिक्शन ही रियलिटी है। जैसे इंसेप्शन मूवी में था, जो इमेजिनरी वर्ल्ड था, जो लियोनार्डो डिकैप्रियो की वाइफ थी, वो इमेजिनरी वर्ल्ड को ही रियल लाइफ समझती थी। इतना रियल होना चाहिए कि तुम फिगर आउट नहीं, सामने वाला फिगर आउट ना कर पाए कि इसके साथ ऐसा हुआ है या नहीं हुआ। यही एक तुम्हारी पहचान है, हर चीज की अलग अलग है। और मूवी के साथ में वैसा नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे तो कैरेक्टर्स हैं, वीडियो पहले से है, एक स्ट्रक्चर है कहानी का। किताबों के साथ में, नॉवल के साथ में ये है कि पढ़ने वाला बंदा अपने हिसाब से, मूवी के टाइम पे वहां तक है जब तुम स्टोरी लाइन को इमेजिन करके इसका स्क्रीन प्ले सोचते हो। हाँ, जब वो स्क्रीन प्ले एक लाइव आ जाता है, लाइव आ गया, स्ट्रक्चर दे दिया गया प्रॉपर, सामने वाले को वो सोच का ना खत्म हो जाता है, उसे पता चलता है कि ये, फिर वो एक अनएक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं कि अब ये होगा, अब ये सस्पेंस आएगा, अब ये होगा या ये होगा, वो एक हाँ या ना की बात चलती है। बेसिकली कहानी के पीछे जो लिखने वाला होता है, जो डायरेक्टर भी होता है, उसकी इमेजिनेशन होती है। क्योंकि कई बार जैसे तूने भी देख ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि हम कोई मूवी देखते हैं, हमने उस मूवी में किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को किसी एक एक्टर को करते हुए देख लिया, तो उसके बाद हमारे दिमाग में छप जाता है कि यार इस कैरेक्टर को कोई और शायद कर नहीं पाता, क्योंकि हमने अब कहानी देख ली, स्टैंडर्ड सेट हो गया है ना। जैसे हाँ, जैसे कि मान ले अगर अलाउद्दीन खिलजी की बात करें, रणवीर सिंह ने कर लिया, तो अब लगता है कि यार कोई और करता तो यार कैसे करता, है ना, अब हमारे दिमाग में छप चुका है क्योंकि वो स्टोरी हमारे पे है। मूवीज के साथ में ये होता है, लेकिन किताबों के साथ में, नॉवल्स और स्टोरीज के साथ में ये है कि आपके पास में विजुअल तो कुछ है नहीं,
इमेजिनेशन है आपकी, और हर पढ़ने वाले अपने आप को कैरेक्टर्स में देखता है ऑब्वियसली, है ना। हर कैरेक्टर तुम्हारा अपना बिल्डअप है, हम तुम अपना उसका हेयर स्टाइल से लेके इमेजिन करते हो कि उसने में कैसा होगा, सोचता कैसा, क्या सीन होगा, कहाँ चल रहा होगा, क्या खेल रहा होगा, ये सारी चीज़ें तुम इमेजिन करके चलते हो। और जितनी अच्छी तुम्हारी इमेजिनेशन है तुम उतने बड़े आर्टिस्ट, अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हो, चाहे वो तुम राइटर बनो या किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, क्योंकि हर चीज़ में इमेजिनेशन है। क्योंकि एक डायरेक्टर भी जब स्टोरी को पढ़ता है तो उसका स्क्रीन प्ले लिखता है तो वो भी यही सोच के लिखता है कि वहाँ पर क्या हो रहा होगा। बस यही है कि तुम्हें इमेजिनेशन का होना ज़रूरी है, अगर तुम्हारे पास इमेजिनेशन अच्छी नहीं है तो शायद तुम्हें कुछ और राइटिंग में फिर नहीं हो पाएगा उतना इमेजिनेशन। एटलीस्ट फिक्शन की बात की जाए तो नहीं हो पाएगा, वहाँ तो सोचना ही पड़ेगा ना। रियलिटी को तुम रख सकते हो, पर रियलिटी को तुम कब तक रख सकते हो, तुम्हें कुछ ना कुछ फिक्शन घुसाना ही पड़ता है कभी ना कभी, और उसके लिए इमेजिनेशन चाहिए। हाँ, इमेजिनेशन चाहिए जी, हर चीज़ में चाहिए इमेजिनेशन। कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हारे अंदर से इनबिल्ड हो, मतलब कि तुम रोज कुछ करो कि इमेजिनेशन आए, वो तुम्हें बस एक सोचने की प्रक्रिया है कि तुम, वो आपके अंदर शायद इनबिल्ट होता है, क्या आप सोच सकते हो उस तरीके से, फील्ड होता है, हर किसी की होता है। मैं बचपन में जब किताबें पढ़ता था, स्टोरी पढ़ता था, क्लास में खड़े होकर सुनाते थे, तो मैं उसे इमेजिन कर लेता था कि चिड़िया उड़ के वहाँ गई है, विजुअल हाँ। उस टाइम पे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस टाइम पे तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें क्या है क्या नहीं है, क्योंकि तुम्हें लिमिटेड ही कर रखा है कि तुम्हें बस पढ़ाई करनी है, तो वो सोच ब्रॉड नहीं थी। पर जब तुम अपने आप को चीज़ों को समझते हो, जब तुम एक एडल्ट होते हो या चीज़ों को तुम गो थ्रू करने लगते हो, तो तुम बहुत सारी चीज़ों को करते हो कि हाँ मुझे समझ में आ रही है और ये भी कुछ है, पढ़ाई के हटके भी ऐसा भी हो सकता है, ये भी दुनिया है, पढ़ाई के हटके भी अलग चीज़ है। और जैसा तूने, हाँ तू कुछ बोल रहा था, पता कंप्लीट कर, नहीं नहीं यही था। हाँ, तो जैसा तूने बोला कि टीचर ने तेरे को वो किया, मोटिवेट किया, इंस्पायर किया, मेरे को पर्सनली लगता है ना, देख हर किसी की लाइफ में एक ना एक ऐसा टीचर जरूर होता है। मेरी लाइफ में भी है, आई लव यू दीपक सर, ठीक है, मेरी लाइफ में भी ऐसे मतलब होता है हर किसी, काफी बताया तूने दीपक सर के बारे में। हाँ, तो आपको मोटिवेट करते हैं सही टाइम पे, आपको गाइड करते हैं, और शायद जरूरी भी है। हर किसी को एक ना एक गुरु मिलता है, वो लाइफ टाइम ना हो, सालों साल ना हो, चाहे 5 मिनट के लिए हो, वो 5 मिनट में तुम्हारी कुछ ना कुछ ऐसी बात बोल देता है जो तुम्हें हिट, तुम्हें एक बात है जो हिट करनी है, हिट हो गई, तुम उस बात को पकड़ के चल सकते हो। जैसे एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा नहीं ली थी, पर वो उन्हें गुरु मानता था, तो एक चाहे उनका साथ लगा लें कुछ लगा लें, उन्हें गुरु मानता था, तो उन्होंने उसका अंगूठा, मतलब उसने अपना अंगूठा भी काट के दे दिया। गुरु का होना, पर लाइफ टाइम भी हो ये जरूरी नहीं, अगर तुम्हारे पास लाइफ टाइम होता है तो बहुत अच्छी बात है, कोई तो बेस्ट केस सिनेरियो है। कितना भी टैलेंट हो तुम्हारे पास, कोई क्रिकेटर एकदम से न्यूट के चला जाता है, उसको भी एक कोच मिलता है जो कोच होता है, सही बात है। जैसे सचिन तेंदुलकर ना होता, अगर उसको कोच वहाँ पे रमाकांत आचरेकर सर अगर उसे वहाँ पे नहीं देखते खेलते हुए, तो हर किसी को एक ना एक मिलता है, चाहे वो गुरु, जरूरी नहीं है कि वो गुरु इन रिस्पेक्ट ऑफ कोई तुम्हारा टीचर हो, ठीक है, तुम्हारा कोई फैमिली मेम्बर, तुम्हारा कोई बड़ा भाई हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो। जैसे कल मैं एक वीडियो देख रहा था फूड व्लॉग अशोक मीट वाले का, हैरी उपल का, उसने काफ़ी सही वीडियो बनाई है, तो उसमें जो लड़के का उसने इंटरव्यू लिया, वो छोटा भाई है, उसका गुरु कौन है, उसका भगवान कौन है, उसका बड़ा भाई है। कुछ केसेस में आप देखोगे कि बड़े भाई कैसे होते हैं, कुछ केसेस में लेको भाई भाई की बनती नहीं, कुछ में गुरु बन गए। तो एक गुरु होना ज़रूरी है, चाहे वो तुम्हारी माँ हो, पापा हो, बहन हो, भाई हो, या कोई भी एक्स वाई जेड, तुम्हारा दोस्त तुम्हारा गुरु बन सकता है, अच्छा दोस्त। सही बात, तो ये है, बढ़िया यार, सही बात है। तो रिपब्लिकन सिनेमा की अगर बात करें, जब वो बनाया था, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था उसके पीछे, मतलब क्यों बनाया था, क्या सोच क्या थी उस टाइम पे, क्योंकि अपनी राइटिंग तो तू वैसे भी कर ही रहा था जो तू पर्सनली लिखता था। एक्चुअली द रिपब्लिकन सिनेमा का मेरे माइंड में ना एक होता है ना, तुम्हें कोई चीज़ स्टार्ट करनी है तो उसका नाम बहुत इम्पैक्ट करता है, उसका नाम सोचने में मुझे टाइम लग गया था, बहुत टाइम लगा था। तो मैं एक नाटक देखता था, उसमें MTV पे आता था रिपब्लिकन बॉलीवुड, अच्छा रिपब्लिक बॉलीवुड, सॉरी ऐसी कुछ तो मुझे याद नहीं, तो मुझे वहाँ से रिपब्लिकन उठाया मैंने, उस सिनेमा के अंदर मुझे कुछ करना था तो उसे मैंने कंबाइन करके द रिपब्लिकन सिनेमा बना दिया। बनाने का ये रीज़न था कि तुम जब तक सक्सेसफुल नहीं होते लाइफ में, तुम अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करते। मेरा भी यही था कि मैं जब तक ना हूँ मैं अपनी आइडेंटिटी ना डिस्क्लोज करूँ।
तो बेसिकली एक पेज था और तुम्हें कुछ करना था, क्योंकि लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, हर कोई क्रिटिसिज्म नहीं ले पाता कि तुम एक तो उठने की इतनी कोशिश कर रहे हो, और फिर दबाने वाले और दबाने वाले आ जाएं, और तुम्हारे दोस्त ही तुमसे गए जिनके तुम बात नहीं करते, कुछ भी हो सकता है कि यार तू क्या कर रहा है। क्योंकि अगर तुम कुछ लिखते हो ना, दो लाइनें तुम लिखते हो, तो लोग शेर और शायरी कहने लग जाते हैं, पर वो शब्द हैं। अब लोग कुछ मेरे से कहते हैं भाई तू शेर और शायरी लिखता है, कोई मेरे से कहता है पोइट्री लिखता है, कुछ कहता है नज़म लिखता है, कोई कहता है स्टोरी लिखता है। नहीं, मैं एक राइटर हूँ और मैं सब कुछ लिख सकता हूँ, जिससे भी अपने आप को एक्सप्रेस किया जा सके, सब कुछ, चाहे वो गाना हो चाहे वो कुछ भी हो, मैं सब कुछ लिख सकता हूँ, मेरे माइंड में ये है। ठीक है, तो मैं ये हूँ और मैं करता हूँ सारी की सारी बातें। तो लोग कैरेक्टराइज करने लग जाते हैं, तो क्रिटिसिज्म करने लग जाते हैं। तो मैंने चालू करा कि अभी स्टार्ट करते हैं। तो जब मैंने देखा उस टाइम पे ना राइटिंग का थोड़ा वो था, राइटिंग की जो मार्केट थी, इंडस्ट्री थी, वो धीरे धीरे उठ रही थी इंस्टाग्राम पे। हमें एक तो हमारे साथ क्या होता है कि जब कोई भी, हम टेक्नोलॉजी में इतना बेकार हूँ मैं, जब चीज़ पीक पर होती है ना, जब तो हमें उसके बारे में पता चलता है। मैं इंस्टाग्राम पे भी नहीं था, फेसबुक भी मैं ऐसे ही करता था, मैं व्हाट्सएप पे भी नहीं था। अब पता चला, मैंने कहा चल करते हैं। काफ़ी अनसोशल आदमी है भाई ये, काफ़ी अनसोशल आदमी है। मैं तो अपने आप को कंसिडर करता था कि मैं शायद बहुत अनसोशल हूँ, लेकिन मुझे लगता है ये मेरे से भी ज़्यादा अनसोशल है। पे मुझे टेक्नोलॉजी में कुछ नहीं पता, मैं लिटरली मुझे कुछ नहीं पता। मुझे लोग मिलते हैं कहते हैं इसमें फ़ोन में ये है, हिडन फीचर्स हैं, ये है। मैंने कहा अच्छा ये भी होता है, ये तो अब पता चला अपने फ़ोन के बारे में। सब पे कोई रिप्लाई कर दे, अच्छा व्हाट्सएप, व्हाट्सएप पे पहले व्हाट्सएप का भी नहीं पता था लोग, व्हाट्सएप ये वगैरह वगैरह। पहले व्हाट्सएप हम कॉलेज में एक बार यूज़ करा था मैंने, जब मैंने किसी से असाइनमेंट का काम करा था। अब लोग लिखते भी हैं, एक तो कभी फीलिंग आती, अब तो सारा वो हो गया लैपटॉप पे लिखने वाला, लेकिन जो मज़ा आता है आज भी वो पेन और पेपर पे लिखने का आता है। कहीं बैठो, कहीं अच्छी जगह खुले आसमान के नीचे बैठो, या कुछ सोच रहे हो बैठो, रात को बैठो, तुम्हें अच्छे ख्याल आएंगे। ठीक है, जैसे मेरा भाई कभी मेरी तारीफ़ नहीं करता, लेकिन मैंने एक शेर लिखा था, मतलब एक लाइन लिखी थी, तुम्हें हिचकियों ने तो बताया होगा कि एक अरसा हो गया है तुम्हें याद करते हुए, और उसने मेरी तारीफ़ करी, और मैंने आई बार मैं शॉक, मैंने कहा किसने तारीफ़ कर दी, मैंने कहा ये, क्योंकि जो तुम्हारी तारीफ़ नहीं करता ना, उसने तुम्हारी तारीफ़ कर दी, तो इसका मतलब है कि तुमने कुछ अच्छा लिखा है। हाँ, कि उसे भी मजबूर कर दिया कि बोल। लोग तो ऐसे भी हैं कि तुम कुछ भी लिख दो हर कोई तारीफ़ कर ही देता है कि हाँ 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 हाँ, लेकिन जो अच्छा तुम्हें लगेगा ना, तुम्हें उसकी तारीफ़ लगेगी जो तुम नहीं करता, और वो ज़्यादा मायने भी रखता है मेरे को, क्योंकि फ्रेंड सर्कल में तो देख ये देखा होगा ना कि जो आपका वैसे भी घनिष्ठ मित्र है, दोस्त है, उसको तो आप कुछ भी शेयर कर दो, है यार बहुत बढ़िया, अच्छा है, अच्छा है, 10 में से 9 ऐसे होंगे आपको पता नहीं चलेगा कि यार ये जेन्युइनली कर रहा है या सिर्फ दोस्त जेन्युइनली कर रहा है। हाँ, 10 में से 1 बंदा तो दोस्तों का ऐसा कुछ ऐसा भी नहीं होता, कोई बैड इंटेंशन ना भी हो, लेकिन फिर भी वो दोस्त एज अ फ्रेंड कर देता है तारीफ की, चल बढ़िया है। लेकिन जैसे भाई की बात करी, या मेरे, मैं अपनी फैमिली में भी जैसे पापा मम्मी की बात करूँ, या किसी ऐसे रिलेटिव की बात करूँ जो कि वैसे तारीफ नहीं करता या बात नहीं करता है, उतना कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसको कोई चीज़ पसंद आ जाए तो उसने भी तारीफ़ कर दी, तो लगता है कि चल एटलीस्ट यार कुछ तो ऐसा कर रहे हैं कि इसे भी अच्छा लगा है, इसने भी तारीफ़ कर दी, तो अच्छा लगता है। खुद ये देख ले, देख तू एक सिनेमाटोग्राफर है, तू कैमरा लेकर है, तो लोग पहले तो ये इस नज़रों से नहीं देखते होंगे कि तू एक सिनेमाटोग्राफर है, तो फोटोग्राफर है। हाँ, तुझे आगे जाके लोग इस नज़रों से देखते होंगे कि तुझे आगे जाके ना स्टूडियो खोलना है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो नहीं खींचनी होती, वही बोलते थे, लाइट की माँ बहन हो गई, वैसे एक लाइट की खैर कोई नहीं, तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो खींचेगा। मैंने जब फोटोग्राफी स्टार्ट की थी ना, हाँ, अगर मैं बताऊँ तो पहले तो वही था कि फोटोग्राफी का मतलब मैं यही समझता था कि कैमरा या जो भी आपके पास में पड़ा हो, आप बस चिड़ियाघर जाओ, जानवरों की फ़ोटो खींचो और उसको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी बोल दो, इतना ही पता था। और जब सोचा भी था कि चल भाई करूँगा ये करूँगा वो करूँगा, तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा जो मजाक उड़ता था ना, वो यही उड़ता था कि यार मेरी शादी में ही फ़ोटो खींच दियो। हाँ हाँ, बहुत लोग हैं पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, यार उनको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और शादी की फ़ोटो के अलावा कुछ पता ही नहीं है कि और भी फोटोग्राफी में कुछ होता होगा। किसी को कुछ नहीं पता, बस एक अलग ही चल रहा है। ठीक है, कुछ लोगों को लगता है कि इंसान जब लिखता है, जब उसका दिल टूट जाता है आशिकी में, अब बिना उसके तो कोई लिख ही नहीं सकता। वैसे गुलजार साहब ने कहा है कि लिखने के लिए दर्द होना जरूरी है। हाँ, पर दर्द किस, ये इन्होंने नहीं कहा कि दर्द आशिकी का ही होना चाहिए, दर्द किसी भी चीज का हो सकता है, दर्द किसी का भी चीज का हो सकता है। बहुत सारी चीजें होती है लाइफ में, तुम वो सोच सकते हो, तुम्हारे डेली इंसिडेंट्स है यार, तुम किसी को भी लिख, देख के लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि हर चीज हमारे साथ ही हुई हो। हाँ, तुम किसी के फिगर आउट भी कर सकते हो, तुम एक सोच सकते हो, तुम कुछ गाने का भी तुम्हें ऐसी चीजें पिंट पॉइंट आउट करके दे जाते हैं कि तुम कर सकते हो। तो यही सारी चीजें हैं कि बस
तो वो मेन पॉइंट कौन सा था जब रिपब्लिकन सिनेमा सोचा था, मतलब क्या हिट? ऑब्जेक्टिव का यही था कि कुछ करना है, अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करना, ट्राई करते हैं कि क्या मैं अच्छा लिखता हूँ, किसी को नहीं बताया, इंस्टाग्राम पे जाके बना दिया। इंस्टाग्राम का ज़माना थोड़ा बहुत मतलब बहुत चल रहा था, मैंने भी बना दिया, मुझे नहीं पता था कि इसमें ये होता है वो होता है, मैंने बना दिया। ठीक है, अब उसे बना दिया, मैंने एक स्टोरी शॉर्ट स्टोरी लिखी थी, वो सबसे पहली पोस्ट थी मेरी, उसको मैंने डाला, रिस्पॉन्स अच्छा आया, फिर मैंने डाला, फिर धीरे 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 करके हज़ारों में बात पहुंची। ठीक है, फिर बात आई कि लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अकेले चलने में बहुत डर लगता है। ठीक है, लिखते वो भी हैं, कुछ भी किसी भी फील्ड से होते हैं, लिखते वो भी हैं, पर उन्हें अलग अकेले चलने में बहुत डर लगता है। तो वो क्या करते हैं कि वो तुम्हारा हाथ पकड़ लेते हैं, और वो हाथ पकड़ने का मतलब हो गया कि तुम्हारा एक कारवा बनता चला जाता है, कि तुम्हारे पीछे लोग जुड़ रहे हैं, चल रहा है, जुड़ रहे हैं। तो ऐसे करते 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 उस पर बहुत से लोग जुड़ गए थे, ऐसा नहीं था कि दिल्ली के जुड़े हुए, ऑल ओवर इंडिया के। तो स्टार्टिंग जब की थी तब तो बेसिकली तो अपनी पोइट्री शेयर करता, मैं अपनी पोइट्री शेयर करता था, फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैं अपनी ही शेयर नहीं कर पाता था, क्योंकि मुझे मेरे पास 80 या 100 राइटअप्स पेंडिंग, मतलब वो राइटअप्स देखते थे वो पेंडिंग पड़े रहते थे डालने के लिए, फ्यूचर के लिए पहले स्टॉक रहता था कि मुझे 100 डालने हैं, तो मैं अपनी ही नहीं डाल पाता था। तो फिर जब तुम एक चीज़ होती है ना कि तुमने चालू कर दिया, अब इसको ग्रोथ क्या आगे किस लेवल पे लेके जाना है, तो मैं वहाँ शिफ्ट हो गया था कि मुझे अब इसको आगे लेके कैसे जाना है, खुद को कैसे आगे लेके जाना है, क्योंकि ठीक है तुमने एक चीज़ बना दी, अब तुम इस तक लिमिट नहीं रह सकते, अगर तुम इस तक लिमिट रह जाओगे तो तुम एक कंटेंट क्रिएटर ही हो, कि कंटेंट क्रिएटर ही रह जाओगे, फिर अपना ही करते रहो बस, हमारी क्रिएटिविटी घास चढ़ने चली गई है। ठीक है, फिर थोड़े दिन में तुम कपड़े बदलने लग जाओगे, ठीक है, और तुम कंटेंट क्रिएटर गानों पे नाचने लग जाओगे, तुम एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर बने। नहीं, नाचना अच्छी बात है, लेकिन नाचना तो डांस एक कोरियोग्राफर होता है, बड़ा सही इश्यू पकड़ लिया तूने, कोरियोग्राफर होता है वो, अच्छा डांस करता है, जैसे बाबा जैक्सन कितना अच्छा फेमस हुआ था, सोशल मीडिया का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है, पर दूसरों के गानों पे ये चल रहा है वो चल रहा है, अगर आज के ज़माने में इंस्टाग्राम और यूट्यूब बंद हो गए ना, लोगों के घर बिक जाएंगे, कुछ नहीं है। अब कुछ लोग हैं, अब मैं क्या नाम तो नहीं लूँगा, ठीक है, जब तुम अच्छा काम करते हो तो तुम्हें थिएटर आर्टिस्ट है मनोज वाजपेयी के, तुम्हें मिलियन व्यू फॉलोअर्स नहीं मिलेंगे, पर उसकी पॉपुलैरिटी आज भी है, उसके काम की तारीफ करते हैं यार, उसका काम बोलता है। पीयूष मिश्रा, वन ऑफ द फाइनेस्ट राइटर, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मतलब उसका थोड़ा इश्क किया, थोड़ा काम किया, मतलब उसकी जो स्टोरी थी, जो एल्कोहलिज्म सर, मतलब वो सर यार पीयूष मिश्रा सर अमेजिंग, और सिर्फ राइटर ही नहीं, लिखता भी है, एक्टिंग, डायरेक्शन, सब चीज में यार, वो उसके गाने यार आरंभ है प्रचंड वोल मस्तकों के झुंड, प्रॉपर आर्टिस्ट है। जब आशुतोष राणा की पोइट्री सुनो, दे डोंट हैव, मतलब इनके इतने बड़े नाम नहीं है जो इंडस्ट्री में आजकल कोई भी नाच गान के हो, लेकिन इनके काम इतने बड़े हैं ना, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट, ये वो। पंकज त्रिपाठी सर ने अभी भी कहा था कि मनोज वाजपेयी की मुझे चप्पलें भी मिल जाए ना तो मेरे लिए वो भी बड़ी बात है, मैं वो ले लूँ। तो तुम्हारा काम तुम्हारी पहचान होता है, तुम एक लाइमलाइट में रह के ये वो, भुवन बाम अमेजिंग, अकेले चला था अमेजिंग, मैं उस रिस्पेक्ट करता हूँ, अच्छा लगता है मुझे, पर वो जो चल रहा है आजकल, हर कोई चल रहा है हाय गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, आज मैं ये करना चाहता हूँ, आज का होगा मस्त होने वाला, ये कोई क्रिएटिविटी नहीं। और ये इंडिया में ना मीडियोक्रिटी मुझे लगता है ज़्यादा हो जाती है, कि कुछ लोग स्टार्ट करते हैं और देख कुछ लोगों के पास में तो देख एक्चुअल कंटेंट होता है, कि भाई उनका एक स्किल सेट है, वो एक काम करते हैं, पर वो एक जगह तक लिमिट नहीं, एक जगह तक लिमिट नहीं रहते, करते हैं बहुत सी चीज़ें, ट्राई करते हैं, पर एटलीस्ट उनके पास में एक ऐसी चीज़ होती है जिसपे वो फॉल बैक कर सकते हैं, कि चलिए अब जैसे मैं अगर अपनी बात करूँगा, मेरे को फोटोग्राफी तो आती है ना, बाकी कुछ होना हो मेरा स्किल सेट है, तुझे लिखना आता है, लेकिन कुछ लोगों को क्या होता है कि उनके लिए काम तो इम्पोर्टेंट होता ही नहीं है, कि एंड रिजल्ट क्या है, हम काम क्या कर रहे हैं, उसको गया तेल लेने, हम क्या करते हैं वो गया तेल लेने, हमें है पॉपुलैरिटी, और उसके लिए फिर कुछ भी करना पड़े। पॉपुलैरिटी चाहिए, मार्केट में पैसा इतना अच्छा दे रहा है यूट्यूब, तो सब आजकल वीडियो बना के उतारने चालू हो जाते हैं। लिमिटेड नंबर्स के लोग हैं जो अच्छा काम करते हैं, गौरव तनेजा व्लॉग्स, उसके व्लॉग्स देख, मतलब डेली व्लॉग मैं वेट करता हूँ, जैसे डेली शो में रात को 8 बजे कोई शो आता है ना, मैं वेट करता हूँ कि उसका व्लॉग आएगा, मैं देखूंगा। उसके अलावा मुझे कोई व्लॉग का चैनल मुझे कुछ खास नहीं लगा जो मैंने देखा फील हुआ,
ठीक है, भुवन बाम की कॉमेडी लाइन उसने, अब भुवन बाम एक वीडियो तक सीमित नहीं रहा कि मैं यही करता रहूंगा, उसने नई चीज पकड़ी, उसने गाने लॉन्च करे, क्योंकि उसकी फील वो एक म्यूजिशियन था हमेशा से। रास्ते तुम कितने भी पकड़ लो, अगर तुम्हारा अल्टीमेट रास्ता तुम्हारा वो गोल तक ना ले जाए जिसके लिए तुम पैदा हुए, जिसके तुमने सोचा है, तो सारे रास्ते बेकार है। उसने गाने निकाले, सारे गाने सुने मैंने उसके, तो वो कॉमेडी तक नहीं सीमित रहा, ठीक है, लिमिट नहीं रहा। उसने ढिंडोरा वेब सीरीज निकाली है, मतलब कर रहा है काम, सब कुछ कर रहा है काम। तो अगर मैं पोइट्री नज़म तक सीमित रह जाऊँगा या रिपब्लिकन सिनेमा तक रह जाऊँगा, तो इसका मतलब है कि मैं लिमिटेड हूँ। मेरा आगे का, मुझे नॉवल है मेरे पास, लोग एक नॉवल लिखते हैं, मैं तीन नॉवल साथ में लिखता हूँ क्योंकि मैं एक चीज़ को पर्टिकुलर सोच नहीं पाता कि उसी में घुसा रहा हूँ मैं। मेरे पास आइडियाज़ रहते हैं कई बार, तो मेरा दोस्त बोलता है कि तू बस सोचता ही रहता है, लिखता नहीं। कभी कभी मेरा मन आता है कि आग बंद करूँ और कोई मेरे पास डिक्टेटर, मैं बोलता रहा हूँ, लिखता रहा या बोलता भी क्या, बस कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट बन जाए कि तू सोच रहा है और वहाँ लिखते चला जाए। मैं अंधा कंटेंट लिख दूंगा, ठीक है, एक नॉवल का हो गया, दूसरा मैं, मतलब प्लान्स हैं भाई, बड़े प्लान्स हैं। प्लान के बिना तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते। एक विजन तो होना ही चाहिए, बहुत तगड़ा विजन। विजन हमेशा अच्छे बंदे के पास विजन, तेरे पास भी होगा तेरे काम को लेके एक विजन। नॉवल के बाद अगर तुम नॉवल तक लिमिटेड जाओगे तो तुम नॉवल तक नहीं हो, उसके बाद तुम वेब सीरीज में उतरो, तुम डायरेक्शन में उतरो, कहानियों का अंत नहीं। जहाँ तक तुम्हारी ये चीज़ है, तुम्हारा नाम है, तुम्हें लोग इस नाम से पहचानेंगे। जानी के सुन ले गाने, जानी ने गाने सुन लिखे हैं, कितने अच्छे लिखे हैं। अब उसका नया गाना वो आया पोइट्री कलेक्शन, हाँ सुनाया था तूने मुझे, बढ़िया। एक चीज़ तक लिमिटेड रहने को मैं आर्ट क्रिएटिविटी नहीं कहूँगा, अगर तुम उसको एक्सप्लोर कर रहे हो। हाँ, डर सबको लगता है निकलने से, डर मुझे भी लगता है, ठीक है। मेरे पापा मेरे काम को आज तक पसंद नहीं करते, मेरी मम्मी को लगता है मैं क्या करता हूँ, लेकिन मेरा मन है, मैं करना चाहता हूँ, मैं करूँगा। ये सारी बातें होती हैं, जोड़े तो आएंगे भाई। तो कंटेंट क्रिएटर की बात कर रहे थे, तो बेसिकली पॉइंट ये है कि यार आप तो चलो कुछ भी कर लो, नाचना है गाना है जो मर्जी, लेकिन आपका कुछ कंटेंट तो होना चाहिए ना, एक स्टैंडर्ड तो होना चाहिए यार। स्टैंडर्ड तो रही तो नहीं है ना अब यार। तूने भी अपना लिखना शुरू किया, अपना रिपब्लिकन सिनेमा बनाया, उसको एक अच्छी पोजिशन पर लाया। मैंने स्टार्ट किया था, मैंने पहले जब स्टार्ट किया था तो मुझे पता भी नहीं था यार फोटोग्राफी में क्या करूंगा और कैसे कैसे पैसे कमाने की तो दूर की बात है, आइडिया भी नहीं था कि क्या होगा। करते करते कुछ सीखा, इधर उधर से जा करके खुद से सीखा, सर पैर मारे। पोर्ट्रेट बाजार स्टार्ट किया, उसमें आज 77,000 फॉलोअर्स अच्छा चल रहा है। क्यों, कैसे चल रहा है? क्योंकि तूने मेहनत करी है, मेहनत करी है, उसमें भाई इतना टाइम दिया है, ठीक है। तो इतने टाइम से आपको बता दूं, इनको श्वेता त्रिपाठी फॉलो कर रही है द पोर्ट्रेट बाजार को मिर्जापुर। हाँ, वो मुझे इसी ने बताया था, एक्चुअली बताया था, इन भाई साहब को पता भी नहीं था। हाँ, उसका नाम क्या था? मिर्जापुर गोलू। हाँ, गोलू। वो पोर्ट्रेट बाजार को भाई फॉलो कर रही है, तो अगर इंटरव्यू कभी पहुंच जाए तुम्हारे तक तो जरूर यार एक बार मुझे भी फॉलो कर देना पर्सनल अकाउंट पे। तो जैसे पोर्ट्रेट बाजार है या अब बाकी भी, इतने टाइम से फोटोग्राफी कर रहा हूँ, तो ये नहीं ना कि यार शुरू में ही बकचोदी करना और फालतू बोलना शुरू कर दिया हो। अब जाकर के इतने साल की मेहनत में, पिछले साल 2020 में इंटरनेशनल सेंटर ऑफ फोटोग्राफी में एग्जीबिशन हुआ, इस साल फिर इंटरव्यू हुआ आर्ट एम और की मैगजीन में, अभी फिर दिल्ली में वो एग्जीबिशन हुआ, तो एटलीस्ट एक काम है भाई, काम चल रहा है, एक काम बीच में रिकग्निशन है, क्रेडिबिलिटी है, तब जाकर ये कुछ कर रहे। लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ में दिक्कत ये होती है ना, उनको अपने ना तो काम से प्यार होता है, ना उनके पास में कोई स्किल या कोई टैलेंट होता है, उनको सिर्फ एंड रिजल्ट दिखता है कि हाँ भाई पॉपुलैरिटी ऐसी मिलती है, तो वो पॉपुलैरिटी तो मुझे चाहिए, बट उसके लिए कोई अगर काम करना है या कुछ सीखना पड़ेगा तो उसको छोड़ दो, वो नहीं हो पाएगा। एक्चुअली लोग ना स्टार्ट ही पॉपुलैरिटी, आजकल तूने बच्चे भी देखे होंगे, तुम्हें कई बच्चे मिल जाएंगे इंस्टाग्राम पे, सब वीडियो डाल रहे हैं, ठीक है। तो एडल्ट से तो तू खैर एक्सपेक्ट कर सकता है कि इस टाइम पे आगे वो डाल रहे हैं, बच्चे भी डाल रहे हैं, तो तू सोच माइंडसेट आगे जाके क्या होगा क्या नहीं होगा। एक दिमाग ना ओपन होने वाली बात, ओपन होने वाली बात है। बचपन से हो जाए रील्स बनवा रहे हो, क्या करवा रहे हो, ठीक अच्छा है, पैसा अच्छा दे रहा, तुम्हारा घर चल रहा, बहुत अच्छी बात है, पर पर्सनल उसके लिए बहुत बड़ा पर्सनल ग्रोथ की अगर बात करें, पर्सनल ग्रोथ दिमाग के लिए, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ की बात करें तो कहां है, वो तो खत्म है वहीं पे। अब करने को तो हम भी यहाँ पे नाच गाना कर सकते थे, मैं कपड़े बदलता, ये दिखाता, ये रिकॉर्ड कर लेता, एडिटिंग करके डाल देते, दो चीज करके टी शर्ट चेंज, और वो देख यार नहीं है, हम पहले बोलते कि उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम किसी चीज से नहीं है, बस वो एक आर्टिस्टिक लेवल नहीं है, अच्छी बात है, हमें पसंद नहीं और बेसिकली हम शायद हमारी सेंसिबिलिटी, हमारा नेचर वैसा है भी नहीं कि हम वो कर पाए। मैं तो वो बंदा हूं, मुझे अपनी रील्स में अगर मेरी शक्ल भी आ जाए ना, मुझे वो भी पसंद नहीं है, सोच
तो बस ये है कि काम चालू करा था, थोड़ा बीच में उसे रोकना पड़ गया, मतलब रोक दिया थोड़ा, तो अब वो दोबारा उठाने की सोच रहे हैं तो करें। एक टाइम पे था मेरे 300 लोगों की टीम बन चुकी थी, ऑल ओवर इंडिया मुझे 300 लोग जानते थे, बहुत बड़ी बात है, मैं सोचता था तो 300 लोग जानते थे, काम चल रहा था बहुत बढ़िया, तो फिर बंद करना पड़ गया कोई पर्सनल रीजंस की वजह से। तो टीम वीम सब बना रखी थी तूने तो? हाँ, पर्सनल रीजंस की वजह से। ये तो अब 10,000 हुए हैं, ये कोई 15-16,000 होते हैं जब, तो अब तो गिरते गिरते इतने हो गए हैं कि लोग जब कंटेंट नहीं है, कंटिन्यूस उतना नहीं है तो फिर वो थोड़ी नहीं, लोगों के पास कंटेंट नहीं ज़्यादा, लोग देखते हैं कि चल नहीं रहा तो अनफॉलो कर देते हैं। हाँ, और जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो मैं ऐसा नहीं था कि मुझे अपना द रिपब्लिकन सिनेमा ही बनाना है, मैं भी किसी का हाथ पकड़ने के चक्कर में था, मैंने भी बहुत बड़े बड़े पेजेस को मैसेज डाला था, ठीक है, वो आज तक सीन नहीं हुआ। और कुछ जो वीडियो अभी तो इन्हें अभी पर्सनल उसके बारे में ही बताते हैं, जो हमने बहुत पहले ट्राई किया था, स्टार्ट किया था द टेल मेकर्स, उसकी भी कहानी है, उसकी भी कहानी है बड़ी इंटरेस्टिंग। तो हम मिले कैसे थे यार? मेरे को जहाँ तक याद है ना, मेरा हमारा मेरा जो दोस्त है हिमांशु पांडे, कॉमन फ्रेंड था, उसने हमको मिलवाया था। हाँ, मैं शूट करता था, फोटोग्राफी करता था और अपना कुछ वीडियोस वगैरह बनाने का टाइम लिखता नहीं था। हाँ, मैं लिखता नहीं था उस टाइम, मतलब लिखता तो था, शेयर नहीं करता था, उतना प्रेडोमिनेंटली नहीं लिखता था कि बहुत रेगुलर बेसिस में मैं लिखता था, ये लिखता था, ये प्रॉपरली लिखता ही था, ये राइटर था शुरू से। तो मुझे ख्याल आया था कि मैं लिखता हूँ तो कैमरा वगैरह से शूट करता है तो हम कुछ वीडियोज बना सकते हैं। तो हमने एक पेज छोटा सा स्टार्ट किया था द टेल मेकर्स के नाम से, उस टाइम पे काफी साल पहले की बात है। उसकी कहानी भी मैंने ट्यूशन में लिखी थी, बैठे बैठे टीचर कुछ पढ़ा रहा था, मैंने बैठे बैठे मुझे इतना, मैं कंटिन्यूस 3-4 घंटे की क्लास कोई भी पढ़ाई की किसी की भी चीज़ में मुझे बोरिंग लगती है। सही बात है, सही। और वो इतना पढ़ा रहा है, वो रेशियो का चैप्टर पढ़ा रहा है, मैं सोच रहा हूँ रेशियो क्या है, मैं यहाँ बैठ के पीछे कहानी लिख रहा हूँ, कहानी लिख रहा हूँ, कहानी लिख रहा हूँ। तो वो टेल मेकर स्टार्ट किया था, उसमें शायद हमने दो वीडियोज बनाई थी, शॉर्ट मूवीज बनाई थी। कितने टाइम हो गया, 3-4 साल पहले की बात है, था जब हमने द रिपब्लिकन सिनेमा को मैंने बनाया, नया नया ही था वो उस टाइम पे था। तो दो वीडियोस हमने कुछ शूट की थी, उसके बाद में यार हुआ ये कि फिर ये अपने काम में लग गया था, मैं अपने, फिर रिसोर्सेज की भी कमी थी उस टाइम पे, हमें था नहीं कि यार क्या करेंगे कैसे करेंगे, फिल्म मेकिंग और ये सब ना अपने आप में थोड़ा करना तो हम चाहते थे पर रिसोर्सेज वगैरह की कमी इतनी ज्यादा थी कि हम, अब तो फिर भी सेटअप है, अब तो सेटअप है थोड़ा, उस टाइम पे हमारा ये नहीं था। दूसरी बात, उस टाइम पे उम्र नहीं थी कि हम कमा रहे हो कि हम एक बेसिकली पर्टिकुलर इनकम लगा सकें, कोई ऐसे रिसोर्सेज थे भी ऐसा कुछ था नहीं, इन्वेस्ट करते अपने एंड से, हमने कोशिश बहुत करी थी कि इसको उठाएं कम से कम रिसोर्सेज में कुछ कर सके। रिस्पॉन्स तो आया था पर हम वो आगे तक कैरी ऑन नहीं हो पाया, कैरी ऑन नहीं हो पाया, बट कोई नहीं, शायद अभी फ्यूचर हो जाए, अब हो जाए, क्योंकि अब हम कुछ प्लान कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री वगैरह हम सोच रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री वगैरह देखेंगे, अभी बताएंगे पब्लिक को बाद में उसके बारे में, जब आएगा, जब माल बनेगा तैयार होगा, जब माल तैयार होगा पक जाएगा तब परोसेंगे लोगों के आगे, इससे पहले थे, उससे पहले नहीं, कई बार हम कमिट कर देते और हम कर नहीं पाते। हाँ, तो अब शायद हो जाए उस टाइम पे रिसोर्स, आर्टिस्ट ऐसा नहीं है कि हम बस एक टैप है और टैप कौन करा, खाना खाना मतलब सामान सामान, हमें बहुत सारी चीज़ों से फिगर आउट करना पड़ता है, रातों को नींद ना आना, डिप्रेस ख्यालात, डिप्रेशन, ठीक है, सोच, सबसे बड़ी तुम अपनी फ्रीलांसिंग कर रहे हो कि पैसा ना आना, घर वालों का सबसे बड़ा इशू है, घर वालों का प्रेशर कि तू इतना बड़ा हो गया तू क्या कर रहा है, रोज रोज की लड़ाइयाँ, ठीक है, और अगर किसी को प्यार हुआ तो प्यार में धोखा, वो तो यार बाबा बंगाली से मिले हैं हम। नहीं, ये तो क्रिएटिव लोगों के साथ में, मैं कल जॉर्डन, मैं एक दोस्त के साथ में बैठा था, नानू के साथ में, मैं उसको जॉर्डन पीटरसन की एक वीडियो दिखा रहा था। जॉर्डन पीटरसन जो है प्रोफेसर है, पता नहीं कौन से कॉलेज का है, यूनिवर्सिटी का है, साइकोलॉजी का प्रोफेसर है, वो क्रिएटिव लोगों के बारे में बात कर रहा था। तो क्रिएटिव लोगों के साथ में ये कर्ज होता है, वो वीडियो में बता रहा था कि अगर आप कुछ क्रिएट नहीं कर रहे ना, अगर आप हो क्रिएटिव और करते हो और आपने रोक दिया या नहीं कर रहे, तो एक तरीके से वो बोल रहा था कि आप मरने लगते हो, सड़ने लगते हो, एक बंदा अंदर वो घुटन हो जाती है ना, ये क्या कर, तो कुछ ना कुछ एक्सप्रेस करना और ये सब करना जरूरी है। हाँ हाँ, एक बार मैं डीयू का एक फेस्ट होता है, कॉलेजेस का अलग होता है, डीयू का अलग होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो उस फेस्ट में गया था, तो आईपी कॉलेज है लड़कियों का, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की कुछ वहाँ पे कैंप लगा था, दे आर टेस्टिंग बेसिकली कि तुम्हारी माइंडसेट क्या है वगैरह। तो उन्होंने, हम 5 लोग थे, 5 या 6 लोग थे, सबको एक एक बोला, अरे तूने बताया हुआ मुझे, हाँ, सबको एक एक दिया, तो सबने भर दिया, सबका ओके 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 था, ठीक ठीक। तो मैंने दिया तो मैं किसी से बात करने लग गया, मतलब अपने दोस्त से बात करने लग गया, तो पीछे से 6 लड़कियां आई और उन 6 लड़कियों ने मुझे घेर लिया। अच्छा,
मैंने कहा ये क्या हो रहा है, पहले तो सोचिए कि क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आया मुझे। तो जब उन्होंने मुझसे कहा कि आर यू ओके, मैंने कहा या ऑब्वियसली, आईपी यूनिवर्सिटी की बात है, नहीं डीयू के फेस्ट की बात है। अच्छा अच्छा, आईपी कॉलेज की लड़कियों के ने वहाँ पे एक प्रोग्राम करा था कैंप का, बेसिकली दे आर चेकिंग द मतलब फर्स्ट ईयर साइकी चेक कर रहे थे लोगों की। हां चेक कर रहे थे, बता बता स्टोरी बता। कह रहे आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हो। अच्छा जी, कभी कभी होता है कि तुम्हें कुछ चीजें पता नहीं होती, तुम उस चीजों को इग्नोर करते हो, और कभी कभी वो ज्यादा चीजें होती हैं। हाँ, तो उसने कहा कि आप डिप्रेशन में हो बहुत ज्यादा। अच्छा जी, हमें आपकी मदद करनी है। मैंने कहा ये क्या होता है, मुझे मदद नहीं चाहिए। हाँ, और इंडियन पेरेंट्स में दिमाग की बीमारी क्या होती है, कुछ होता ही नहीं। तो फिर तो भाई मेरी मम्मी आज तक बिलीव नहीं करती कि ये कुछ होता है डिप्रेशन, कह रही कुछ नहीं होता फालतू की चीजें। हाँ, काम वाम नहीं कर रहे, फालतू की सोचने पर लगे रहते हो तो हो गया, तुम्हें कुछ नहीं है ड्रामा। तो वो कहती है कि आपको डिप्रेशन। मैंने कहा है। अच्छा, मैंने कहा ये क्या, सुनने में तो अच्छा लग रहा था कि डिप्रेशन शब्द क्या बात है, नहीं बीमारी हो गई हमें जो है नहीं कुछ भी। हाँ, और आर्टिस्ट लोगों के साथ में फैंटेसी होती है उनकी। हाँ, फैंटेसी डिप्रेशन एंजाइटी भाई साहब, मतलब मेरे साथ ऐसा है, मैं ट्रेजेडी वाली लाइफ, मेरे पास इनसोम्निया और ओवरसोम्निया सब है। हाँ, अगर मैं सोऊंगा नहीं तो कई कई दिन तक नहीं सोऊंगा, अगर मैं सोऊंगा तो मैं 24 घंटे में से कम 16 या 18 घंटे में सोऊंगा। मेरे साथ ये सीन है, और अब तो ठंड आ गई तो मेरा सीजनल डिप्रेशन भी चालू हो गया है कसम से, लिटरली। हाँ, मैं समझ रहा हूं। आज हमने आज लेट भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं घर जाके दोबारा सो गया था। मुझे मेरा कुछ पता ही नहीं, तो उन्होंने मुझसे कहा डिप्रेशन है। मैंने कहा ठीक है, अब तुम कॉलेज में पढ़ रहे हो, तुम साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट जिसका भी है उसका खर्चा कहाँ से बियर करोगे। कह रहे बहुत अच्छे अच्छे। मैंने कहा ठीक है, मैंने उनकी बात सुनी और मैंने घर जाके निकाल दी, क्योंकि तुम्हें हो या ना हो इट डजेंट मैटर। मैटर जब करता है कि जब तुम किसी घर में बताओ और वो कहे कि अच्छा तुझे ये है तो चल हम तुझे लेके चलते हैं, क्योंकि जब उनके नंबर में उस चीज का एग्जिस्टेंस ही नहीं है तो तुम उस चीज को बिलीव कर पाओगे उनको। तुम्हें अपने आप ही लड़ना पड़ेगा उस चीज से। हाँ, चाहे तुम कितने हद तक लड़ो, कैसे लड़ो, वो तुम्हारा कॉल है, यू हैव टू फिगर इट आउट, जैसा है वैसा करो बस। तो ये था। तो एक बात है, जैसे मतलब तूने अक्सर सुनी होगी, मैंने तो बहुत सुनी है कि किसी भी आर्टिस्ट के लिए, अभी तूने शायद छेड़ी भी थी ये बात गुलजार वाली, दर्द होना बहुत ज़रूरी है, बहुत कहा जाता है ये। वेस्टर्न कल्चर की अगर बात करें तो उसमें तो ये बहुत ज़्यादा ही एविडेंट है चीज़ की, मतलब जो जीनियस होगा, जो आर्टिस्ट होगा, उसकी लाइफ ट्रेजेडी से भरी होगी ही होगी। चाहे बड़े बड़े पेंटरों की बात कर लो आप, विंसेंट वैन गॉग की बात कर लो, या ये जितने म्यूजिशियन हो, जिम मॉरिसन, ये सारे लोग हों। तो जिसके बारे में पता है, रैप गॉड एमिनम। हाँ, उसकी लाइफ कितनी ट्रेजेडी से भरी है। उसने तो अपने नाम का भी मतलब क्या पता तुझे एमिनम का? नहीं, मुझे नहीं पता। एवरी मदर इज नाइस एक्सेप्ट माइन, उसके नाम का मतलब इज नाइस, उसका जो एमिनम EMINEM, हाँ उसका मतलब एवरी मदर इज नाइस एक्सेप्ट माइन। अच्छा जी, मुझे नहीं पता था भाई, तो गूगल कर सकता है इस बारे में, उसका यही था। हाँ, तो मतलब आर्टिस्ट की लाइफ ट्रेजेडी से, चाहे कोई सा भी हो, कुछ ना कुछ चीज होगी। और मेरे हिसाब से जो ये चीजें आती हैं तुम्हारी सोच को ना ले जाती हैं शब्दों के। तो मतलब तुझे क्या लगता है कि ये जरूरी है कि अगर आर्टिस्ट अगर है, या एक आर्टिस्ट अगर एक बेहतरीन आर्टिस्ट या अच्छा आर्टिस्ट बनता है, तो उसके पीछे ट्रेजेडी या कुछ सैड होना जरूरी है तभी बन पाएगा? देख, जरूरी तो नहीं, पर आर्ट ये कुछ चीजें हैं, अगर तुम्हें ये चीजें मिलती हैं और अगर तुम इस चीजों को रख सकते हो उस ढंग से, जो तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी, ऊंचाइयों तक ये भी ले जाएगी। जान का भी ये होता है कि तुम सोचते रहते हो, तुम लिखते रहते हो, पर इनकी ना बहुत सारी डिसएडवांटेज है। तुम सोशल गैदरिंग तुम्हारी बंद हो जाएंगी, तुम्हारा सर्कल बहुत छोटा रहेगा, छोटे से भी छोटा। मेरा सर्कल में 4 लोग हैं। मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव हूँ, मैं व्हाट्सएप पे एक्टिव हूँ, पर मैं व्हाट्सएप पे किसी के रिप्लाई नहीं करता। मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल डाउन करता रहता हूँ, फेसबुक में रोज स्क्रॉल डाउन करता हूँ, बात करने का मेरा किसी से मन नहीं करता। और अगर कोई मुझे अननोन नंबर से कॉल करता है तो मैं कॉल ही नहीं उठाता, अनलेस अनटिल उसकी 3 कॉल ना आई हो, एक ही, ताकि लगे कि हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही मैं ट्रू कॉलर पर जाकर सर्च करता हूँ और मैं देखता हूँ कौन है, अच्छा इसके बात कर लेता हूँ। तो मतलब एक तुम्हें भागना होता है लोगों से कि नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, और नेगेटिव लोग से तो ऑब्वियसली तुम्हें भागना पड़ता है। पर हाँ, लिखने के लिए दर्द होना अच्छी बात है। मैंने कुछ बंदे देखे हैं, लिखते सब है, मैं ये नहीं कहता कि बुरा लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं, लोग मुझे भेजते भी हैं। मैं कभी किसी के लिखने की गलत बुराई नहीं करता कि तू अच्छा नहीं लिख रहा, लेकिन ना उनके में ना वो मिसिंग रहता है कि जो तुम्हें हिट कर जाए, ठीक है। और जब वो चीज़ हिट नहीं करती ना, लिखना तो सब कुछ है कि मैंने ये गया, मैं वो गया,
लिखना तो कुछ भी है, कुछ मैं सामने वाले जनरल स्टोर पे गया, मैं वहां से कॉफी के पैक मैंने खरीदी, तो ये भी मैं इस पे भी कुछ भी लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। बट यही डिफरेंस हो, जैसे मतलब आज के राइटरों की अगर बात की जाए, एक और टॉपिक चल हमने छेड़ दिया, जैसे अब हम यही बात कर रहे हैं कि गहराई डेप्थ कितनी है किसी इंसान में, उसकी लिखाई में उसकी क्रिएशन में वो पता चलता है। आज के राइटरों की अगर बात करें और अगर 90s के 80s के पहले के राइटर्स की बात करें, फॉर एग्जांपल गुलजार है, जावेद अख्तर है, पीछे समीर, नाम सुना होगा तूने, समीर, मैं बाकी का नाम भूल गया उसका, समीर करके नाम था यार, खैर मतलब बहुत फेमस राइटर है वो भी, समीर है, या और पीछे अगर चले जाए तो साहिर लुधियानवी तो है, सलमान खान के फादर, वो तो मूवीज लिखता है, साहिर लुधियानवी, साहिर लुधियानवी ठीक है, पुराने जमाने के गाने, ये पुराने जो भी लिखते थे। अब इनकी लिखाई थी एक लेवल की, रियलिटी थी, वो रियलिटी से ना वो कनेक्ट करते थे, हाँ, चाहे वो मोहब्बत में लिख रहे हो या दर्द में लिख रहे हो। हाँ, यहाँ पे मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब क्योंकि मैं ये बहुत सोचता हूँ, जब से लिखना शुरू किया है सीरियसली, तो मेरे को ये चीज ख्याल जरूर आता है कि वो जो राइटर हुआ करते थे ना, वो लिखते थे तो उनकी लिखाई में एक डेप्थ मालूम पड़ती थी कि ये कुछ सीरियस टॉपिक, अभी भी कोई पुराना गाना उठा करके सुन लो, डल गया दिन हो गई शाम, मतलब है ना, क्या हुआ तेरा वादा, हाँ, वो कसम वो इरादा, तेरा मुझसे है पहले का नाता, हाँ, कोई यूं ही नहीं दिल दिल ढूंढता है फिर वही, हाँ, और आज के जमाने में वो जानी ने वो चीजों को कैप्चर करा, जैसे गरानी का तेरे ते मेरा मन भर गया, हाँ, मतलब होता है कि मेरा मन भर गया तेरे से, हाँ, 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 कि अब एक होता है कि टूटते हुए तारे को विश्वास हो, तो वो उसने उस गाने को रिक्रिएट किया कि आज मैं कितुटिया तारा वेखिया जब आई तेरे वर्गा सी, तो उसके जो गाने हैं वो पुराने जमानों के, मतलब वो कनेक्ट कर रहा है चीजों को, बट कहीं ना कहीं डिक्लाइन तो है ना, मानता है डिक्लाइन तो बहुत ज्यादा है आज के जमाने में, तू क्या देखेगा, मतलब नाम तो नहीं लेंगे देख किसी आर्टिस्ट का, बट डिक्लाइन है ये मानता है। मैं आज भी प्रेफर पुराने जमाने के गाने, मैं भी वही सुनता हूँ ज्यादातर, मेरी मम्मी सारे गा पा के रेडियो पे वो पुराने गाने के सुनती, वही जो चैनल बना हुआ है, आर डी वर्मन के सुनती है, मोहम्मद रफी के सुनती है, ठीक है, और किशोर कुमार के, गुलजार के, हम गाने सुनते हैं आज भी सुनते हैं, मतलब अभी के भी, अभी से भी पिछले डेकेड के 2000 से 2010 तक आजकल तो सब कुछ आ गया, आजकल तो सिंगर सिंगर भी नहीं रहे, खैर ऑटोट्यून का जमाना चल गया, नहीं अगर मान ले डिक्लाइन की बात कर रहे हैं जैसे बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो अब तुझे क्या लगता है कि ये सोसाइटी का ही एक रिफ्लेक्शन है, या आज के लोगों ने सोचना बंद कर दिया है, या शायद लाइफ इतनी ईजी भी हो गई है हम सबकी टाइम के साथ में कि कोई ज्यादा मेजर कोई स्ट्रगल है नहीं, तो बंदा लिखे भी क्या, मुझे क्या लगता है क्या रीजन होगा इसके, मुझे लैक लगता है कि आजकल ना एक इंसान को सब कुछ काम करने का शौक चढ़ा होगा, अगर वो गाना भी लिखेगा तो वो गाना गाएगा भी, कंपोज भी करेगा, डायरेक्ट भी करेगा, सब कुछ करेगा, जरूरी नहीं कि तूने एक गाना अच्छा लिखा है तो तू उस गाने को वोकल पे अच्छा गा सकता है, ठीक है, पहले तो रही बात लिखने की, आजकल हर कोई राइटर है, हर कोई कुछ भी लिख रहा है, ठीक है, लेकिन परफेक्शन जब आता है, जब मज़ा जब आता है कि जब तुमने एक अच्छी चीज़ लिखी हो उसको कोई आवाज़ में उतने उतार रहा है, ये बात सच है कि राइटर को वो मुकाम नहीं मिलता है, अप्रिसिएशन नहीं मिलती, जो एक मैंने कोई गाना लिखा है अगर वो विपिन गा देगा तो वो विपिन के नाम से पहचाना जाएगा, मेरे लिखने के नाम से नहीं, सही बात है, कितने तो राइटरों को हम जानते हैं पीछे पुराने गानों की अगर पता है, लेकिन जो राइटर नहीं लिखे हैं वो कितनों के नाम पता होता है, मैं भी म्यूजिशियन का नाम बता रहा हूँ, मैं तुझे तो राइटर के बता ही नहीं रहा, हाँ, कि जो है, और अब ये बात रही कि एप्रिसिएशन नहीं मिलता, और आज के जमाने में जो राइटर्स हो गए सब उनको ही करते हैं, माय इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है, वेब सीरीज काफी है, हाँ, पर वेब सीरीज अच्छी कितनी है सबसे बड़ी बात, ठीक है, आज भी हम प्यार मोहब्बत की वेब सीरीज में उलझे हुए तरफ घूमे हुए, बाहर की वेब सीरीज भी देखो कितना सही है चीजें, पॉलिटिकल ड्रामा आता है, लव स्टोरीज आती हैं, हर चीज़ का एक अंत, 13 Reasons Why देख ले तू, कौन सी 13 Reasons Why मैं देखी है, तू उसे देख, बाहर की है और अच्छा, और उसका ये है कि वो लड़की मर चुकी है, हाँ, लेकिन उसका लेटर पास ऑन होता जा रहा है, अच्छा, और वो कहती है कि अगर तुम पास ऑन नहीं करोगे तो मैं तुम पर नज़र रख रही हूँ, तो मतलब चीज़ों को अलग लेवल पे, आजकल तो हर कोई कुछ भी कर रहा है, तो कंटेंट कुछ अच्छा मिल जाता है, मैंने वेब सीरीज लिखी है, ठीक है, मैंने बहुत सारे प्रोडक्शन हाउस को मैसेज, हाँ, भेजी थी, बताया तूने, हाँ, क्या हुआ था उसका, रिप्लाई नहीं आया किसी का, तो बेसिकली दे ऑलरेडी उन्होंने सिलेक्ट कर लिया है कि हम इन्हीं से उठाएंगे, और दूसरी बात तो चोरी होने का इतना डर रहता है आज के जमाने में कि तूने एक मेहनत से चीज लिखी है, और वो भी अगर हम छोटे आर्टिस्ट हैं
हमारा वो कॉपीराइट वगैरह नहीं ले रखा, तो वो तो चुरा लिया तो बाद में हमें ही बोल देंगे साले तुमने चुरा रखा है। चुरा लिया सबसे बड़ा दर्द तो यही है भाई, चुरा लिया तो तुम इतने वेल सफिशिएंट हो नहीं कि तुम जाके लॉ में केस कर दो कि भाई तू मुझे कोर्ट में मिल, तुम्हारे तो कपड़े फट जाएंगे। तू तो कहेगा भैया हाथ जुड़वा ले। जब मैं राइटर का ये है कि जब तू एक चीज लिख, अगर तू एक चीज लिख दी और उस चीज के बाद तू कुछ नहीं लिख पाया तो यू डोंट डिजर्व टू कॉल योरसेल्फ अ राइटर। सही बात है, बिकॉज तुम एक चीज ही नहीं लिख सकते। तुम अगर तुम्हारा ये है कि अगर तुमने वो लिख दी तो उसके बाद तुम 10 चीजें और लिख सकते हो, वरना तुम राइटर फिर हो नहीं। क्या राइटर, एक चीज के फ्लूक लग गया तुम्हारा तो केवल तुमने कुछ लिख दिया। वो तो अपने घर की ऑटोबायोग्राफी लिख दे, पर इट डजंट मीन कि तू एक बहुत अच्छी चीजें लिख सकता है, मैं अच्छी चीजें लिख सकता हूँ, बात ही होती है। तो मतलब कहीं ना कहीं जो कि मेरे दिमाग में ना हमेशा ये आता रहता था कि क्या इंडिविजुअल लेवल पे जो लिखने वाले हैं, इंडिविजुअल लेवल पे जो लोगों की सोच है वो नीचे गिर गई है, उसकी वजह से सोसाइटी ऐसी हो रही है, या सोसाइटी ऐसी हो रही है उसकी वजह से इंडिविजुअल का लेवल इतना गिर गया है कि वो लिख नहीं पा रहा उतने डेप्थ से, उसके पास कुछ है नहीं लिखने को। सोसाइटी इतनी हो गई है कि इंडिविजुअल का लेवल, क्योंकि एक लिखने वाला बंदा भी तो यार वही लिखेगा जो आसपास में देख रहा है, आसपास में देखेगा। तो यही है कि सोसाइटी की वो इतनी गिर रही है कि, और फिर उसी तरीके का कंटेंट परोसा जा रहा है, कंटेंट वही सामने रखा जा रहा है। आजकल तू गाने, तू गाने के तो कुछ गाने हैं, मैं कहूँगा नहीं, हाँ गाने इतने सारे हैं कि कुछ लिरिक्स अगर तू मैं बताऊंगा तुझे, हाँ तुझे वो कहीं सर पर लिखेगा ही नहीं, बस वो चल रहे हैं, लोगों को पता भी है, पर यू कांट टेक एनी, हाँ सही बात, काइंड ऑफ थिंग्स। तो बेसिकली इफ यू आर अ पर्सन, यू आर इंडिकेटिंग समथिंग। If you are a truly a writer, a truly artist, Christopher Nolan को देख ले, सोच देख उसकी, imagination देख, imagination देख। हम आज भी प्यार मोहब्बत ये वो बदला सब कुछ ये चक्कर में, और उसी की वजह से मेरे को लगता है ना एक सोसाइटी का इंटेलेक्चुअल जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं बहुत रुक जाता है, बढ़ता नहीं जाता, रुक जाता है। भाई भाई तू जॉनरे देख लेना, अब हमारी सोसाइटी के जॉनरे क्या, हाँ। लास्ट 10 ईयर के हिसाब से तू देख ले, 10 ईयर लास्ट 10 मूवीज के देख ले जॉनरे हमारे क्या रहे हैं। यहाँ तो हमारा वो टेररिस्ट के ऊपर जॉनरे होता है, हाँ। या कोई प्यार मोहब्बत के ऊपर होता है, हाँ। इसके अलावा तू देख क्या जॉनरे, हमारे पास जॉनरे ही नहीं। अब बेसिकली जो भी इंसान कॉन्टेंट कंज्यूम करेगा उसकी सोच या उसकी इमेजिनेशन वैसी बनेगी, और उससे ज्यादा क्या बनेगी। कुछ अच्छा ऐसा करो कि कुछ बहुत बढ़िया निकल के आए, पॉलिटिकल ड्रामा हो कुछ, कुछ बहुत बढ़िया मूवीज भी बनाई है इंडिया में, जैसे रंग दे बसंती। बट अभी मूवीज की बात करेंगे, एक चीज जो मैंने और देखी है ना कि जो अच्छी मूवीज होंगी ना वो आप तक पहुंचती नहीं है, उस तक आपको पहुंचना पड़ेगा ढूंढ करके। हाँ जो घटिया लेवल का सिनेमा होगा, जो घटिया गाने होंगे वो आप तक पहुंचेंगे एडवर्टीजमेंट के थ्रू, कंपनियां पीआर लग जाती है उसके पीछे, उसको ऐड रिकमेंडेशन पे होता है सारा। सबसे बड़ा तूने ट्रेंड ये देखा होगा, कोई भी घटिया गाना आता है टिकटॉकर पकड़ो उनको नचवाओ, गाना फेमस कर दो अपनी वही 15-16 साल की एज ग्रुप वाले बच्चों में, उसको फेमस कर दो। सही नहीं हुआ टिकटॉक एड्स, क्योंकि जो सारे टिकटॉक है वो इंस्टाग्राम पे आ चुके, हाँ वो रील का फीचर आ गया है, तो भाई इंस्टाग्राम यूट्यूब उन्होंने सब पकड़ लिया। इससे बढ़िया है कि तुम उस सोसाइटी को एक ही जगह तक सीमित रखते, तो इट विल बी अ गुड फॉर एवरीवन। कि अब वो है कि हर चीज़ उन्हें कैप्चर कर लिया, अब तो इतनी शॉर्ट मेड इन इंडिया, अब मेड इन इंडिया है ठीक है अच्छी बात है, ऐप्स हैं वगैरह वगैरह, पर खाना तो वही परोसने को मिल रहा है। तो मेरा जो कहने का मतलब था वो ये था कि जो भी मीडियोकर काम है ना वो एडवर्टाइजिंग के थ्रू, मार्केटिंग के थ्रू सब तक दबा के पहुंचा दिया जा रहा है, इसलिए शायद लोगों को भी ये लगता है कि यार शायद सोसाइटी में यही बन रहा होगा, बट ऐसा सच नहीं है, सोसाइटी में बहुत बढ़िया काम भी हो रहा है, काफ़ी अच्छे गाने भी आते हैं, मूवीज सीरीज कितनी सारी हमने देखी होंगी यार। देखने वाला है ना, डिपेंड करता है कि वो मनोज वाजपेयी का सिनेमा देख रहे हैं किसका सिनेमा देख रहे हैं, बट उस तक हमें पहुंचना पड़ता है खुद। मुझे नहीं पता थी काफ़ी सीरीज और मूवीज के बारे में, वो हमारा दोस्त है नानू, सब जानते होंगे यार नानू को, तो मेरे तो काफ़ी बचपन का दोस्त है, मेरे को कितनी सारी मूवीज और कितनी सारी सीरीज उस बंदे ने बताई, क्योंकि वो देखता रहता है, रिसर्च करता रहता है, उसको पता लगता है, मुझे पता ही नहीं चलता। जो मैंने बोला ना हमको पहुंचना पड़ेगा, वो हमारे तक नहीं पहुंचती, क्योंकि जो अच्छा काम होगा और कम बजट पे बना है उसका तो मार्केटिंग का बजट ही नहीं होता यार कि वो इतनी तगड़े लेवल की मार्केटिंग कर पाएगी, हर किसी के आगे मतलब अपने आप को रख सके। एक मेरे दोस्त दिग्विजय ने मुझे बताई थी सीरीज बिफोर सनराइज, इसके तीन पार्ट है, हाँ वो शायद इथन हॉक नाम याद नहीं, एक्टर है, बजट कॉस्ट पे, हाँ हाँ, और 3 पार्ट्स हैं ठीक है, देखने वाली है, लव के प्यार के ऊपर, बिफोर सनसेट बिफोर सनराइज ऐसी कुछ है, बिफोर सनराइज बिफोर सनसेट बिफोर ये मिनट पता मैं ऐसी, हां ऐसा है, नाम याद नहीं उसका, दो नाम है, हां हां सही बात। उसमें उन्हें एक दिया वॉक कर रहे होते हैं,
तो एक आदमी मिलता है रोड साइड पे, सिगरेट पी रहा होता है, कह रहा है तुम मुझे पैसे मत दो पर तुम मुझे कोई शब्द दो। सही, अच्छा। मैं उस शब्द से तुम्हारे तुम पे पोएट्री लिख के दिखाऊंगा। अच्छा, इफ यू लाइक दैट पोएट्री यू कैन पे मी। अच्छा, उन्होंने शब्द बता क्या दिया होगा? बिफोर सनराइज, यही दिया? नहीं, नहीं, उस मूवी में क्या दिया होगा पता नहीं, मैं देखी। मिल्क शेक। मिल्क शेक, उस मिल्क शेक पे उस बंदे ने इतनी अच्छी पोएट्री लिखी ना कि वो दोनों इम्प्रेस हो गए। अच्छा, तो बस डैश की कुछ भी लिख सको तुम। हाँ, मतलब है बाहर, मतलब लो कॉस्ट में भी काम होता है, पर डिपेंड करता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, बस यही बात है भाई। मतलब दोनों चीज़ें एक दूसरे को इम्पैक्ट करती हैं, सोसाइटी है वो क्रिएटर्स को इम्पैक्ट करती है, या अगर सोसाइटी नीचे जा रही है तो लिखने वाले की अपनी जो, नहीं ऐसा है, सोसाइटी अगर नीचे जा रही है पर्सनल इंसान उस सोसाइटी से इतना वो क्या कहते हैं उसे, ओवरवेल्म हो गया, परेशान हो गया, परेशान नहीं हो, इरिटेशन हो, रिफ्लेक्ट करती, क्या कहते हैं उसे, रिफ्लेक्ट करती, अगर उसे मतलब अगर वो सोसाइटी उसे इतना तंग कर रही है, वो सोसाइटी की सोच के साथ ही जाना चाहता है तो वो कुछ भी कर सकता है। सोसाइटी के साथ सोच के साथ नहीं जाना चाहता तो वो तब भी कुछ कर सकता है, तो अपनी सोच को आगे रख सकता है। देख, इस सब की चीज़ें की भी जब भी मतलब है कि जब तुम्हारा एक नाम हो जाए, हमारा इंटरव्यू भी जब लोगों को बढ़िया लगेगा, जब हम होगा कि विपिन और प्रणव ने कुछ करा, अगर हम अपनी फील्ड में कुछ नहीं कर पाएंगे तो हम तब भी एक लोगों के लिए एग्जाम्पल बनेंगे कि इन लोगों के जैसा मत करना, समझ रहा है? एग्जाम्पल बनना तो तय है, अब चाहे अच्छे में बने या बुरे में बने, तुम्हारा काम है, तुम्हें पता है तुम्हारा काम है, लोगों को पता है तुम्हारा काम क्या है, ठीक है? एक हमारे कॉमन फ्रेंड्स हैं, वो देख उनकी तो रीच बढ़िया चल रही है आजकल, स्टार है यार, स्टार आदमी है भाई साहब, तो है ऐसा, कुछ भी हो सकता है। इट्स बेटर कि तुम एक चीज़ पे टिके रहो, तुम क्या करना चाहते हो। बस एक आर्टिस्ट को यही मारता है कि रिसोर्सेज और दूसरा पैसा, कि तू काम में तो इन्वॉल्व रह सकता है लेकिन जब तक तुझे पास पैसा नहीं आएगा ना, वो चीज़ तुझे खलेगी, और जब तुझे बिल पे करने होंगे। सही बात है। और हमारे यहाँ तो ऐसे भी हैं कि भाई फ्री में काम कर दे, भाई ये कर दे वो कर दे। ये बड़ी अच्छा पॉइंट बोला, फ्री में कर दे। मेरे से तो कुछ कहते थे भाई एक स्क्रिप्ट लिखनी है ऐसी लिख दे। एक एक मुझे, मैं एक बार नॉक उस पर देख रहा था ऑनलाइन साइट पे, मैंने कहा राइटिंग की पोस्ट देखता हूँ, तो मुझे एक जॉब मिली। अच्छा, ठीक है। उसमें उस इंसान को कितनी चाहिए थी, शायद दिन की 4 स्क्रिप्ट चाहिए थी। अच्छा। नहीं, 4 या 1 पता नहीं, 4 या 2 थी मुझे याद नहीं, एक दिन की, चलिए 1 दिन की 1 स्क्रिप्ट मान लें, 1 स्क्रिप्ट थी। वो फनी भी होनी चाहिए, सब कुछ होनी चाहिए, नॉलेजेबल भी होनी चाहिए, यूट्यूब में, हाँ, 1 स्क्रिप्ट 4000 वर्ड्स की यूट्यूब के लिए चाहिए थी, और सब कुछ होनी चाहिए, सब कुछ होने चाहिए, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। और महीने की यानी उसे वही 30 स्क्रिप्ट हो गए 4000 वर्ड्स की, वो पे करेंगे, पता है कितने पे करेंगे, कितने करेंगे, 30 स्क्रिप्ट के। भाई यार, मैं तो कोई रैंडम गैस मारना भी नहीं चाहता, क्योंकि तू बता भाई, 4000 रुपये पे करेंगे भाई साहब 30 स्क्रिप्ट के, डिवाइडेड बाई 30 कर दे तो कितना पड़ेगा, 167 रुपीज़ के अराउंड पड़ेगा 1 स्क्रिप्ट का। अगर वो मेरे साथ काम करना चाहता तो मैं उसे 8000 रुपये महीने अभी भी दे दूँगा। मतलब लॉजिकल तो देख, तो 30 स्क्रिप्ट मतलब 4000 शब्द की 1 दिन में होनी चाहिए, और बोर ना हो ऑडियंस, उन्हें अपना यूट्यूब चैनल ग्रो करना है, मतलब सब कुछ चाहिए, वही पूरा पैकेज चाहिए, पैकेज चाहिए के अंदर। तुम डांस भी करके दिखा दो भाई उसमें, हाँ, नंगा नाच जाओ तुम, सारी नंगा नाच जाओ, 4000 रुपये ला के दो बस उन्हें। हाँ भाई साहब, अद्भुत, मुझे इतनी हंसी आई ना मैं उस दिन, मुझे ये पता है कि फ्रीलांसिंग में अगर राइटर के साथ कोई पंगा है ही नहीं, मतलब पैसे देगा ही नहीं कोई, अंटिल अनलेस तुम्हारा काम है। और ये यार, मतलब मेजॉरिटी ऑफ आर्ट फील्ड में है कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ना, स्टार्ट कर रहे हो और चलो एक लेवल पे पहुंच भी गए, आपका काम ठीक ठाक भी है, तो भी पैसे देने को कोई तैयार नहीं होता भाई, जब तक आप इतने फेमस नहीं हो जाते, आपका नाम इतना नहीं चल जाए, वो तो खैर बहुत बात की बात है। फेमस के बाद तो तुझे बड़े बड़े पब्लिशिंग हाउस कहते हैं कि हमारे साथ नॉवल पब्लिश कर लो, पर एक नया राइटर है अगर वो करना चाहता है तुम्हारे साथ में प्रोडक्शन, मतलब पब्लिशिंग हाउस के साथ नॉवल पब्लिश, कैसे करोगे तुम? स्क्रिप्ट भेजते, तुम स्क्रिप्ट भेजते रह जाओगे अपनी, कहाँ भेजते रह जाओगे, तो तुम्हारा कुछ होगा ही। सेम है फोटोग्राफर्स के साथ, सेम है भाई, कोई यंग फोटोग्राफर है उसने मतलब ये लगा लेगी यार, एक फोटोग्राफर की को भी देखेगा, लाखों रुपए के इक्विपमेंट आते हैं,
सिस्टम हो गया। अरे तो ये देख ले यार, ये भी तो कुछ है, ये सेटअप कितना सारा कुछ होता है। लेकिन किसी बंदे के लिए ये बोलना कितना आसान है कि यार हमारा शूट कर दोगे क्या, लेकिन हम पे पैसे नहीं है। मत करो, मतलब चल ठीक है, किसी के मैं मान सकता हूँ कि किसी के पैसे नहीं है, जेनुअन किसी की प्रॉब्लम है, कितने ही है किसी के पास, तो तुम एक कंपनसेट तो करता है बंदा, कंपनसेट करने के लिए कहता कि भाई तुझे मेरी मदद चाहिए होगी तो मैं कर दूंगा। ठीक है, मतलब मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। हाँ तो ये मतलब कल को वो कहेगी भाई तेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी भाई, तूने एग्जैक्ट बात बोल दी। मतलब मेरे को कितने लोग, मेरे अपने दोस्त हैं, मतलब मुझे प्रैक्टिस करनी क्यों, मेरी क्लास में पढ़ते थे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने मेरे को एक दो एक मेरे को इंसिडेंट याद है, मैं नाम तो नहीं लूंगा, बुरा मान जाएगा साला, मेरी क्लास में पढ़ता था, उसने मुझे बोला कि एक बार उसकी कॉल आई, और मतलब ये तब की बात है जब मैं बहुत टाइम हो गया था मुझे फोटोग्राफी करते हुए, मैं शूट कर रहा था, प्रोफेशनल शूट कर रहा था, मेरे को एक दिन कॉल करता है, कहता भाई कर रहा है काम वाम कर रहा है आजकल, मैं हाँ हाँ भाई यही तो मेरा काम है, मैं फोटोग्राफी तो करता ही हूँ। तो कहता भाई मैं जिस ऑफिस में काम करता हूँ ना वहाँ पे ये इस तरीके का कोई शूट चाहिए। मैंने अच्छा भाई ठीक है बता क्या क्या करना है। तो कहता है कि भाई ऐसा, उसने मुझे रिक्वायरमेंट बताई और मेरे को लगा अभी बोलेगा, पूछेगा चार्जेस के बारे में, अब पूछेगा पूछेगा कुछ नहीं भाई, लास्ट में कहता है भाई मतलब देख लियो बता दे तो मुझे, तेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और काफ़ी अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे आते हैं और तेरी जान पहचान भी हो जाएगी, और सबसे बड़ी बात तेरा फ्री में खाने का भी अरेंजमेंट कर दूंगा। भाई साहब मुझे इतना, पहले तो गुस्सा आया फिर मुझे हंसी आई, मैंने मतलब यार तू हंसी सकता है इस बारे में ना, तू चाहते मतलब, खाने की बात पे मुझे याद एक आई, अभी रिसेंट इंसिडेंट है, एक फोटोग्राफर था उसने शादी की फोटो वोटो खींच क्लिक करी होगी, तो जब वो खाना खाने गया तो उसे खाना खाने से रिफ्यूज कर दिया गया, मना कर दिया, मना कि तुम्हारे लिए खाना नहीं है। तो अब बात हो गई खाना खाने, भाई कोई भी बेकार बात है। तो उसको फोटोग्राफर को इतना गुस्सा आया, उन्हें अभी वो काम है, वो तो बाहर जाके भी खा सकता है, पर उसने गुस्सा आया क्योंकि वो इज्जत नहीं मिली, पैसा देके तो पैसा तो तुम मतलब मैं पहली बार ऐसा सुन रहा हूँ यार। तो उसने क्या करा, उसने सारी फोटो डिलीट कर दी शादी की, कर लो क्या करोगे भाई, एक बारी शादी होती है सारी मिट गई भाई। खाना तो तुम्हारा बेसिक राइट है, और कौन रोकता है यार, इंडिया में तो किसी भी शादी में कोई भी घुस के खाना खा लेता है, तो बाहर की बात है, इंडिया की बात नहीं है। हाँ। ऐसे टंटे बाहर ही होते हैं, इंडिया में हाँ। नहीं होते। तो उन्होंने इस मामले में इंडिया बहुत बढ़िया है, तो उन्होंने खाना खाने को मतलब कितनी एम्बैरेसिंग बात है कि खाना खाने से तुम रोक सकते, इतना तुम्हारा वेस्ट हो जाता है। सही बात है, तो ऐसी भी है, मतलब बड़ा अजीब लगता था यार, बहुत लोग मतलब ऐसे ही बोलते थे तेरी प्रैक्टिस, अब मतलब तेरा क्या मतलब भाई, मेरी प्रैक्टिस कराने वाला तू कौन है, मैं कर रहा हूँ मतलब किसी को दारू पीनी हो तो तुमसे वो दारू पिलाने के लिए कहते, कह रहे भाई बोतल ले ले चल तू भी पी लियो, तेरे भी लियो से हो जाएगा। भाई सही बात, अगर मुझे दारू पीनी है मैं अपने पैसे से अपने मैं ही खर्चा कर रहा हूं, मेरा तो मैं खुद पी लूंगा ना, घर मेरा, दारू मेरी, जगह हाँ। सब कुछ मेरा, ग्लास मेरा, तो मैं अपने घर के लिए अपने लिए ले जाऊंगा। सही बात, मैं तुझे पिलाने के लिए क्यों ले जाऊँ, तू कौन सा मेरा फूफा का लड़का लग रहा है भाई। बहुत नमूने मिलते हैं यार, बहुत नमूने मिलते हैं, इवन मुझे तो ऐसे ऐसे लोग भी मिले हैं कि सर प्लीज पोस्ट माई राइटअप्स, इतनी विनती कर देते जेंडर रिवील नहीं करता, मेरी इंस्टाग्राम पे मैं, एक तो ये है कि अगर तुम किसी को रिप्लाई कर दो तो तुम्हें ज्यादा लीनियंट समझ लेता है। हाँ मैं रिप्लाई कर दिया तुम्हारी रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली डाउन होगी, अगर तो तुमने है। रिप्लाई नहीं करा तो तुम एरोगेंट एरोगेंट हो, एटीट्यूड आ गया है, ठीक है हाँ। एरोगेंट हो जाते हो हाँ, सही बात है, ठीक है तुम कुछ करो तो कुछ, ना करो तो कुछ, तो कुछ कर दिया, मैंने रिप्लाई कर दिया भाई, पोस्ट हुआ भाई, लोग ऐसे करते तुरंत फॉलो कर देते, पोस्ट कर दिया अनफॉलो कर दिया, ये भी चलता है भाई हाँ। एक लड़का है, नाम नहीं लूंगा, तो पेज चल रहा था वो टेस उसका था, मैं वीडियो मतलब पहले तो ब्रॉडकास्ट करते थे हम हाँ, वीडियो हाँ, हाँ। बंदे का कभी रिप्लाई नहीं आया। अच्छा जी, तो जब उसने अपना स्टार्टअप कुछ करा होगा तो मेरे से कहता है कि भाई मेरा थोड़ा वो कर दो, मैंने कहा आई डोंट लाइक इट, मैंने कहा मुझे नहीं पसंद जो तू कर रहा है हाँ। कह रहा है डूड हैव सम वो अपनी वो कर, मतलब एटीट्यूड मतलब डोंट डीमोटिवेट समवन, मैंने कहा मुझे पसंद नहीं है हाँ। उसने बहुत सारे लिख के भेजी आठ दस हाँ, समझ रहा हूँ। अब मैंने उसको रिप्लाई नहीं करा, मैं क्यों करूँ, मेरा नहीं है मन, मैंने पढ़ा खत्म बात। उसको दो दिन बाद हैव सम मैनर एटलीस्ट रिप्लाई, मैंने कहा तुझे बात भी बोलनी है तुझे हाँ। रिप्लाई मैं क्यों करूँ तेरा रिप्लाई हाँ। और लोग तो ऐसे भी होते हैं, किसी का एक था, एक राइटर था, तो उसने ना किसी का कोट चुरा के पे भेजा था मुझे। अच्छा, मैंने कोट चेकिंग की भी टीम बना दी थी उस टाइम पे, तो मतलब ज्यादा लेवल पे चल रहा था उस टाइम पे। अच्छा, मैंने पता कर लिया, मुझे पता चल गया, मैंने कहा अच्छा यार ऐसा है, तो भाई वो मुझे मेरे पे चौड़ा हो रहा है, कहता
अरे आपने पकड़ लिया, मैंने कहा हंसने वाले इमोजीज, मैंने कहा ये क्या है। तो उसने एक नॉवल पब्लिश कर रखी थी सेल्फ पब्लिशिंग में। अच्छा जी। तो कहता है हु आर यू, यू आर जस्ट दिस, मैंने अपनी नॉवल पब्लिश कर रखी है। मैंने कहा नॉवल पब्लिश कर रखी है तो कम से कम कंटेंट तो अपना ओरिजिनल ला, अगर तू नॉवल तक इतना बड़ा था चुरा क्यों रहा है, नॉवल लिख रहा है तो तू नॉवल लिखना, तू जब भी राइटर कहलाएगा हाँ तो एक नहीं 10 नॉवल लिख, तुझे कोड नहीं लिख के जा रहे, तू किसी को चुरा के क्यों भेज रहा है। एंड नंबर ऑफ पीपल्स हर कोई मिलेंगे, जब तक तुम उनकी करते जाओगे देखते हैं तुम बहुत अच्छे हो। ये तो हुआ है मेरे साथ भी, फोटो तुम उनकी नहीं करोगे। अरे मेरा कोड चोरी कर लिया भाई, कौन सा था तुझे बताया था खाबो वाला, हाँ वो सब बताया था, पता नहीं किसने था भाई मेरा, तो चोरी कौन सा था, वो बहुत अच्छा था। हाँ एक पल को तो लगा तुम मिल गई, ख्वाब टूटा और नींद खुल गई। मैं दोबारा बोलूंगा, एक पल को तो लगा तुम मिल गई, ख्वाब टूटा और नींद खुल गई। चुरा लिया था भाई, भाई मैंने अपने पोस्ट पे डाला हुआ रिपब्लिकन सिनेमा में, मैं डेट भी दे सकता हूँ अगर वो बंदे चेक कर दे कि मैंने भी उसने पहले डाला है। सोच मेरा 2018 से भी पहले का, ये तेरी तो एक बंदे ने चुराई, मैंने तो डाला था स्टोरी पे, मैंने तो एक अच्छे खासे बड़े फेमस पेज ने फोटो चुरा लिया यार। हाँ होता, अच्छा याद है ना, आरबीसीजी मीडिया। हाँ मतलब फोटो ले ली, यूज कर ली, ना क्रेडिट ना मुझसे पूछा कुछ नहीं, कुछ मतलब मेरी क्रिएशन की कोई है ही नहीं, मतलब हम सब ऐसे ही हैं। आर्टिस्ट के कॉपीराइट रूल्स की तो जैसे मान लिया, माँ बहन हो रखी, कोई इज्जत ही नहीं है, कोई इज्जत ही नहीं है। अरे एक वो है द हिमालयनस की, ठीक है, एक डॉग है उसके पास दो, मतलब एक था और एक अब है, तो उसको कैंसर वैंसर था तो वो अभी एक्सपायर हुआ, उसकी अच्छा। वीडियोस पहले की चुरा रखी थी किसी ने भी। अच्छा तो मतलब कोई क्रेडिट देने के, मतलब जब तक तुम क्रेडिट के लिए नहीं कहोगे कोई देगा भी नहीं। भाई मुझे तो इतना, मैंने फिर भी उससे कुछ नहीं कहा, मैंने कहा तूने चुरा लिया तो कोई बात नहीं, तू चुरा तू खुश रह, मुझे कोई दिक्कत नहीं है भाई, तू खुश रह, आबाद रह, घर चलता है तेरा, तू चला, जिंदगी गुलजार रखो, जिंदगी गुलजार है यहाँ, हर हर मोड़ पे टूटता है एतबार है। अरे वाह, ठीक है भाई, बैठे बैठे बना दिए, बैठे बैठे बना दिए, पुराना अच्छा रटे ही बढ़िया, कुछ मेरे ने लिखे थे बढ़िया। अच्छा तो चलता रहता है यार। तो और बता, मतलब आगे का क्या प्लान है कुछ अगर शेयर करना चाहता है। ये है कि रिपब्लिकन सिनेमा बंद कर दिया था मैंने, हाँ वो एक्टिव नहीं था वहां, बंद तो मतलब हां ड्यू टू सम पर्सनल रीजंस, तो अभी के हालात तो मेरे साथ कुछ याद आ गया इससे, हां पर्सनल रीजन तो वैसे भी अभी ठीक नहीं है, तो आई एम ट्राइंग टू मतलब उसे लिफ्ट करने की सोच रहा हूं मैं दोबारा, तो बेसिकली मैं दोबारा टीम बनाऊंगा, तो इस टाइम लॉन्ग टर्म की बात है, थोड़ा दिसंबर में करने के बाद मैं उस पर ओपन माइक वगैरह अरेंज करने लगूंगा। मेरा जो फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, अच्छा मैं सोच रहा हूँ कि ओपन माइक अरेंज करूँ। सेकंड चीज मैं ये सोच रहा हूँ कि जब ये एक हो जाए तो मैं अपनी नॉवल निकालूँ, और जब नॉवल निकल जाए तो मैं अपनी एक वेब सीरीज बनाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि वेब सीरीज के स्क्रिप्ट तुम किसी को भी दे लो वो सब उसको रिजेक्ट ही करेंगे, जस्ट बिकॉज यू डोंट हैव पर्सनल का मतलब, और हमने जो सोचा हुआ है दोनों ने वो तो हो गई होगा, वो तो मारो डॉक्यूमेंट्री आने वाली है बहुत जल्दी, डॉक्यूमेंट्री तो बनाएंगे, ट्रैवल वगैरह तो करेंगे, हाँ हम करेंगे, मैंने सोच रखा है और इस बार तो पक्का होगा, आर पार की लड़ाई है, सही बात है, या तो हो जाएंगे नहीं तो हम 9 से 5 की, मैं तो 9 से 5 की नौकरी में चला जाऊंगा। नहीं यार मतलब मैं तो थोड़ा मैं घबराता हूँ भाई, नहीं घबराना नहीं, दिक्कत ये बहुत सारी चीजें होती हैं यार, एक्स वाई जेड रीजन होते हैं, नहीं वो तो है, वो तो है, सबके अपने अपने रीजन होते हैं, तो मैंने सोच रखा है कि करते हैं जब जहां तक होता है, जब नहीं हो पाता तो हाँ छोड़ते, चलो मतलब पर ये एक ऐसी चीज़ तो ये करेंगे कि अपने काम में ही हो जाए अच्छे तरीके से, पर ये एक ऐसी चीज है तुम्हारे खून से निकलती नहीं है, जैसे मतलब तुम्हारी नसों से निकल, जैसे नसों में खून बह रहा है ना, वो हाँ। नसों में जा चुकी है, अब तुम बिना लिखे तुम बैठ नहीं सकते, तुम बिना किसी कुछ काम करेंगे, सही बात है, ठीक है, नौकरी में तुम रहोगे तुम्हारे वहाँ काम चलता रहेगा, तुम्हारे ख्याल उसी चीजों में उलझे रहेंगे, तो बस ख्यालों की बात है, काम की बात है, जब तक चल रहा है बहुत अच्छा है, क्योंकि हम शॉर्ट टर्म हमारा वो नहीं है कि हम उनमें से नहीं है, और हमारी किस्मत इतनी बढ़िया नहीं है कि हमारी रातों रात कोई वीडियो वायरल हो जाए, हाँ, सही हाँ, बता रहा हूँ हाँ। हमारी किस्मत ऐसी उस तरीके का कोई कंटेंट भी नहीं बनाते हम, सही बताऊँ नहीं, कुछ लोगों का अच्छा कंटेंट है, जैसे याया भूत वाला की थी एक वो ही सच्ची मोहब्बत है पोएट्री थी, वो बहुत वायरल हुई थी। अच्छा हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है, हम लड़ते रहेंगे पिछते रहेंगे, और काफ़ी टाइम के बाद हार्डवर्क के बाद हमें काम होगा, पर टाइम लगेगा, किस्मत के चक्कर में हमारा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, तो हमारा बस यही है, कोशिश जारी है, देखते हैं कब तक मिल पाता है मुकाम, बस चलते हैं। फेमस होने के बारे में क्या ख्याल है तेरा? देख फेमस दो चीजें होती है, वर्ड की बात करूं तो फेमस एक होता है तुम्हारा नाम, एक होता है तुम्हारा काम,
तुम्हारा नाम बहुत लोगों का चल रहा है आज के जमाने में, मेरा भी चल जाएगा, कुछ बात मजा नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन काम तुम्हें बहुत आगे तक ले जाएगा, मेंटल पीस देगा। नाम फेमस हो गया तो तुम बिग बॉस में जा सकते हो, काम फेमस हो गया तो बहुत दूर तक जा सकते हो, तो तुम्हें काम फेमस करना है, क्योंकि यही तुम्हें मेंटल पीस और सेटिस्फेक्शन देगा। नाम पे क्या है, तुम्हें चार लोग बुला लेंगे, तुम एक कर लोगे वगैरह 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 वगैरह, लेकिन जो एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन की बात होती है कि चलो मेरे को अच्छा लग रहा है, मैंने कुछ बनाया, काम नॉवेल्स लिखो, मतलब चीजें लिखो, तू अपना वो कर, मैं कुछ क्रिएट करना, कुछ क्रिएट करो, मूवीज लाइन निकलो, ये करो, डायरेक्शन करो, है करो, बात खत्म, अच्छी चीजें हैं। फेमस होने का भी ये है भाई, मतलब देखते हैं, ख्याल बहुत मिलते जुलते हैं वैसे, हाँ है ना। और मूवीज मूवीज कौन सी देखी, मतलब अभी पिछले कुछ टाइम में कुछ देखा हो? मैंने मतलब किस तरीके का कंटेंट कंज्यूम करना पसंद करता है तू बेसिकली? यार गाने सुनने की बात करूं, बहुत कम देखने लग गया हूँ, बहुत ना के बराबर, कुछ चीजें अच्छी हैं बॉलीवुड में, जैसे मेरे को तो देख नानू बताता है भाई, अगर तेरे को कुछ पता करना हो, नहीं नहीं तूने इंस्टाग्राम पे डाला था सजेशन पे मूवीज, तू नानू को मैसेज कर, वो तुझे एक से एक बताएगा। मैं इतनी सब कुछ देख चुका हूँ ना, तो मुझे ना कुछ मिलता नहीं है नया, मुझे नया कंज्यूम करने को नहीं मिलेगा ना। अच्छा ऐसा भी नहीं है कि मैं पूरी चीजें देख लेता हूँ, मैं बीच मेरी ये है कि मैं चीजों से बोर बड़ी जल्दी होता आगे आगे करके फास्ट फॉरवर्ड देख लिया, मजा आ रहा है तो देख लिया। जैसे बॉलीवुड में सबसे अच्छी सीरीज है असुर, खतरनाक, पर एंड मेरे को पहले तूने ही बताई थी वो, पर वो एंड बेकार है उसका, काफी लूप होल्स है मुझे लगे, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अच्छा मूवी रिसेंटली मैंने बॉलीवुड में देखी थी शेरशाह, अमेजिंग, सेकंड सीजन का कुछ है आएगा इंडिया में, सेकंड सीजन पक्का आएगा, ठीक है। एक वो देखियो द सीक्रेट ऑफ बुराड़ी डेथ, जो एक घर में 11 लोग मरे थे, उसका वो देखियो, बाय वो बनाई है उसकी डॉक्यूमेंट्री, अच्छा, तीन चार एपिसोड्स हैं, काफ़ी हैं उसमें, तुझे एक मिलेगा, तुझे वहाँ पे दो चीज़ें देखेगा कि या तो इसका मेंटल दिमाग खराब था, साइकोलॉजी थी, मतलब ही नीड्स अ साइकेट्रिस्ट, या फिर भूत प्रेत भी होते हैं। अच्छा ये दोनों चीजें हो सकती हैं, अब तुम्हें फिगर करना है कि तुम्हें कौन सी उंगली पकड़ के चलना है, जो पूजा पाठ वाले आदमी है वो भूत प्रेत पे जाएंगे और जो वैसे हैं वो साइकेट्रिस्ट लेवल पे जाएंगे, पर हाँ वो चीजें भी होती हैं। और तुझे क्या लगता है, मतलब लिखने वाले बंदे के लिए पोइट्री सुनना, मूवीज वगैरह इस तरीके कितना रोल प्ले कर, कितनी इंपॉर्टेंस रखती है ये कॉन्टेंट जिस तरीके का? आइडिया से आइडिया निकलता है। अब मैं किसी की कोई उठा के उस अलग तरीके से पेश कर दूं तो वो एक नई क्रिएटिव लेवल बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल थॉट तो देख अपने आप में बहुत मुश्किल है, नहीं कुछ भी नया क्या सोचेगा बंदा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन एक आइडिया से दूसरा आइडिया निकल गया, बाहर की मेजर रोल होता है वेब सीरीज का, ठीक है, पोइट्री का भी होता है, तुम्हारे पास्ट का होता है, तुम्हारे प्रेजेंट का, तुम्हारे फ्यूचर का, तुम्हारे रिलेशंस का होता है, जैसे इंडिविजुअल के एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंस तो अंधे भाई, लाइव एग्जांपल्स तुम्हारे, ये सारे तुम्हारी बहुत हेल्प करते हैं। मूवीज वगैरह भी करती हैं मैंने, मूवीज वगैरह वेब सीरीज वगैरह बहुत अच्छी अच्छी हैं, तुम देखोगे तुम्हें पता चलेगा। मेरी ऑल टाइम फेवरेट है इंसेप्शन, ठीक है, 13 रीजन वाई का फर्स्ट सीजन मैंने वो भी देखा है अभी तक, और पर्ल हार्बर वन ऑफ द फाइनेस्ट लव स्टोरी वर्ल्ड वॉर टू के ऊपर है। अच्छा है, तुझे भी काफी मूवीज पता है। जापान अमेरिका के ऊपर है, जब जापान ने लड़ाई करी थी तो अमेरिका ने क्या करा था, ठीक है, और काफी सारी है, मतलब एक्चुअली ऐसे नाम याद नहीं आएंगे, बॉलीवुड में भी काफी है, रंग दे बसंती ऑल टाइम फेवरेट है, ठीक है, और तू उसको गुलाल को भी देखना चाहता है, गुलाल भी काफी बढ़िया है, ठीक है, और तुझे बॉलीवुड में मूवी बताऊँ मैं, मतलब देख हॉलीवुड बॉलीवुड तो नहीं जो रियल लाइफ बाप मिल्का बाप वन ऑफ द फाइनेस्ट बायोपिक बनी है भाई, वो तो वो बंदे की थी, वो रियल लाइफ में थी, अगर वो तो मतलब हिट गजब। मेरे को क्या ना बीच में क्या हुआ था, हॉलीवुड बॉलीवुड तो चल चलता रहता तो देखते ही है, मैं किसी की वीडियोस देखता था, कंटेंट कंज्यूम करता था, किसी यूट्यूबर तो नहीं कहूंगा बट था कोई बंदा था, उसने ईरानियन फिल्म के बारे में एक बारी बात हो रही थी, उसने एक मूवी का सजेशन दिया था, वेयर विंड विल कैरी अस, ये नाम था उस मूवी का, ये पोइट्री है वैसे, किसी की पोइट्री है, अच्छा। उसी से मिलती जुलती एक मूवी बनाई है, डायरेक्टर का नाम था अब्बास क्योरस्तामी, ईरान का डायरेक्टर है, बहुत फेमस फोटोग्राफर भी है, नेटफ्लिक्स पे है? नेटफ्लिक्स पे नहीं है, मेरे पे पड़ी है, बता दीजिए है ना। तो
मेरे को ईरानियन मूवी का चढ़ा चस्का, ईरानियन मूवी भी क्या अब्बास किरोस्तामी की मूवीज कई, क्योंकि जिस तरीके का सिनेमेटोग्राफी वो करता है अपनी मूवीज में यूज और डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले जैसा उसका रहता है और कैरेक्टर्स के जो एकदम नुएंस्ड वो रहते हैं ना, उनके अपने अपने कुछ पेक्यूलर हैबिट्स होती है कैरेक्टर्स की। तो विंडविल कैरियर्स देखी थी, फिर उसके बाद में एक द टेस्ट ऑफ चेरी एक मूवी है, उस मूवी का प्लॉट ही अलग है। एक सेंट्रल कैरेक्टर है, वो गाड़ी में घूमता रहता है, उसको सुसाइड करना है, जिंदगी से परेशान है, वो बंदा ढूंढ रहा है जो कि उसको दफना सके, कि वो एक गड्ढे में जाए और वो बंदा उस ढूंढ रहा है जो कि उसको दफना दे, और कोई उसको मिल नहीं रहा, नहीं मिल रहा। पूरी मूवी में वो यही करने पे लगा है। अब पूरी मूवी तो रिवील नहीं करूंगा, लास्ट में उसको एक बंदा मिलता है जो कि उसकी थोड़ी फिर मदद करता है और उसको बताता है लाइफ के बारे में, एक उसको अलग पर्सपेक्टिव देता है। ये मूवी है एक। फिर उसके बाद मैंने उसी की अब्बास किरोस्तामी की देखी, द ट्रैवलर नाम है मूवी का। वो बिल्कुल बहुत सिंपल मूवीज है, ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज 80s 90s के टाइम की, बहुत अच्छी। द ट्रैवलर नाम है, बंदा छोटा बच्चा है उसमें, उसको बस एक बाहर कहीं अपने जहां वो रहता है उससे बाहर किसी जगह पे जाना है बस से होते हुए, उसको एक मैच देखना है, पता नहीं फुटबॉल का था किस चीज का था, फुटबॉल का ही था शायद, बस वो मैच देखने जाना है। यही है पूरी मूवी का एक वो सेंट्रल प्लॉट। तो वो पूरी कोशिशें कर रहा है अपनी पैसे इकट्ठे करने की और ये कर सब करने की, और बहुत तरीके अपनाता है, वहां जाता है, यही मूवी है। तो मतलब मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी थी ना मूवीज को लेकर, हमारे बॉलीवुड में स्पेशली, बॉलीवुड में तो हॉलीवुड में भी होता है वैसे ही, कि बहुत ज्यादा ना बहुत ज्यादा चीजें आपको वो करी जाती है, थोपी जाती है आपके ऊपर, एक ही उसमें सब कुछ भर दिया, खालीपन नहीं छोड़ते कहीं पे भी, कुछ नहीं गाने है ना, कुछ सब कुछ भर दिया से भी गाने उठ के आ रहे हैं, और आपको किसी ना किसी तरीके से एक हिट देने की कोशिश होती है। वो तो सबसे बॉलीवुड में ना जो गाने आते हैं ना जबरदस्ती के लगते हैं मुझे वो गाने, पहले मजा आता था पर अब वो जबरदस्ती के गाने लगते हैं, कहीं से भी उठ के कहीं भी चल रहा है कुछ भी, आइटम नंबर चल रहा है कुछ भी चल रहा है। और शायद वो बॉलीवुड देख देख के ना हम सब देखने वालों को भी आदत पड़ी हुई कि हमें कुछ ना कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए मूवीज में, कि भाई मतलब कुछ कुछ भयंकर हो। वो ईरानियन मूवी देखने के बाद में ना मेरे को सिनेमा देखने का एक पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया, क्योंकि वहां कुछ हो नहीं रहा, सिंपल लाइफ, क्योंकि हमारी लाइफ फिर क्या हो रहा है, फिर भी कुछ ना कुछ हो रहा है, फिर भी हो रहा है। अब जैसे हमारी लाइफ को ही ले ले यार, सबकी नॉर्मल लाइफ, अब ऐसा थोड़ी ना हम सबकी लाइफ में डेली कुछ ना कुछ ऊपर नीचे ट्रेजेडीज होने पे लगी है, मेजोरिटी ऑफ केसेस में तो नॉर्मली चल रहा है ना सब कुछ, कभी कभार तो कुछ भी हो जाता है। तो ये मैंने ईरानियन मूवीज में देखी ये चीज, बहुत खालीपन, बहुत चीजें फ्री छोड़ी हुई है, मतलब ब्लैंक्स है, वो तो ब्लैंक है, वो आप भर लो अपने हिसाब से। भाई मैं तो कह रहा हूँ हम निर्वाण अचीव कर चुके हैं, हम बचे ही नहीं अभी आगे, हमें चलना चाहिए, हमारी जगह कहीं और है भाई, चलते हैं भाई चलते। छिछोरे देख, छिछोरे काफी अच्छी मूवी है इंडियन बॉलीवुड में, काफी मतलब जो उसका जो पर्सपेक्टिव है, जो बोलने का है वो है अच्छा, ठीक है, काफी है यार, बहुत सारी चीजें हैं, जरूरी नहीं कुछ चीजें नॉवल में अच्छी हैं वो लाइफ में, जैसे थ्री मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ को काइपोचे से अगर तू जोड़ेगा तो आई विल प्रेफर थ्री मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ इज फार बेटर देन द काइपोचे। अच्छा ठीक है, क्योंकि एक रीडर का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो अलग है यार सबका, ठीक है, कुछ है सबका अपना अपना है, सबका अपना अपना है, बस यही बात है। बाकी तुम्हें तुम क्या काम करते हो, तुम्हारा काम डिपेंड करता है कि काम कैसा है, नथिंग एल्स, नथिंग मोर नथिंग लेस, बस यू आर डूइंग अ गुड जॉब। सावी शर्मा को पता होगा तुझे, सेल्फ पब्लिशिंग ऑथर है। अच्छा, उन्होंने पहली नॉवल पब्लिश करी, हाँ काफ़ी मेहनत करी और उसकी वर्ल्ड बेस्ट, वो पता नहीं नेशनल बेस्ट सेलर थी क्या थी, बहुत अच्छी गई। अच्छा ठीक है, और उसके जो मेंटर थे आशीष बगरेचा, ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पोइट, अच्छी है, मतलब बोलने का तरीका अच्छा है, लिखने का तरीका अच्छा है, हर किसी का, तुम कंज्यूम करोगे तुम्हें मिलेगा। जावेद अख्तर को देख ले, गुलजार को देख ले, किसी को भी देख ले राइटर्स को, ठीक है, और तुम चीजों को पढ़ोगे तो तुम्हारा दिमाग ही खुलेगा। किताबें, अब भगवत गीता को भी पढ़ने से दिमाग खुलता है, तुम उसे पढ़ो तुम्हें बहुत सारी चीजें मिलेंगी। मतलब कंज्यूम करने के लिए बहुत कुछ है, बट यू कंज्यूम, मतलब बट वो आपकी चॉइस है कि आप क्या कंज्यूम करना चाहते हो। अब तुम स्टार प्लस देखना चाहते हो वो तुम्हारी चॉइस है, अब तुम जी टीवी देखना चाहते हो तुम्हारी चॉइस है। हाँ, वो इनपुट आउटपुट वाली बात है ना, कि जो आपके अंदर इनपुट जा रहा है तो आउटपुट भी आप कोशिश कितनी भी कर लो। मैं बहुत डेली सॉप देखता था एक जमाने में, मैं पवित्र रिश्ता इतना देखता था, मैं पवित्र हो गया था उसे देखते देखते, मेरे दिमाग में ये चलता था अरे अगले दिन क्या होगा, इसकी सास इससे क्या कहेगी। हाँ, मुझे वो चीज छोड़नी पड़ गई, मैंने कहा क्या चल रहा है, कुछ भी चल रहा है भाई, कुछ भी चल रहा है। और फिर जिस तरीके का इनपुट जाएगा आउटपुट तो यार वैसा ही आएगा, आउटपुट तो तुम्हारे इमेजिनेशन में, अपने आप को कुछ भी समझ लो, आउटपुट वही आएगा जो इनपुट है।
इमेजिनेशन, तुम मार्वल देख लो, इमेजिनेशन में तुम अपने आप को सुपर हीरो मान लो। हाँ लेकिन जब आप बनाने लगोगे आएगा वही जो इंडिया में आज तक कोई सुपर हीरो क्यों नहीं आ पाया, क्योंकि वो ढंग से आया ही नहीं है, किसी ने कोई लाना ही नहीं चाहा किसी ने। ऐसा तो होगा नहीं कि सोच नहीं होगी, पर सोच है तो लोग नहीं ला पा रहे, मतलब होता होगा ऐसा। हम उसी जॉनरे में पढ़ते पड़े, हमें वहाँ से निकलना है, देखो कैसे निकलते हैं क्या निकलते हैं। ट्रैप्ड एक मूवी है राजकुमार राव, राजकुमार राव की, एक ही फ्लैट में, एक ही फ्लैट के एक ही रूम की कहानी, अब वहाँ से नहीं निकल, वो अच्छी मूवी है। हाँ वो तरीका है कि लो बजट कॉस्ट में तुम कैसे काम कर सकते, तो बस यही है कि चलता है देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। सही है। कितना टाइम हो गया यार हमको करते हुए, पता नहीं यार, चल एंड करते हैं, बहुत टाइम हो गया, चल एंड करते हैं, फिर मिलते हैं फिर। तो चलो भाई हम भी चलते हैं, आई होप कि आपको ये वीडियो देखने में मजा आया हो और प्रणव की बातें आपको अच्छी लगी हो और मेरी भी बातें कुछ कुछ अच्छी लगी हो। मिलते हैं फिर, तो मिलते हैं फिर बाद में, अगली बार अगली किसी वीडियो में, और होपफुली जल्दी हम कोई दूसरा सेशन भी करेंगे पॉडकास्ट का, कुछ और टॉपिक्स के ऊपर अगर बात करनी हो तो ठीक है, करते हैं। चलो बाय बाय, मिलते हैं फिर बाद में, बाय बाय, टेक केयर।